तो वेलकम स्टूडेंट्स, पार्ट बी आपकी रिवीजन लेक्चर की होंगी ये आज। ये स्टूडेंट्स पार्ट बी का, ये क्योंकि काफी प्रोविजंस हैं आपके सामने, पार्ट बी अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर्स का मैं रखूंगा, और फिर आपका पार्ट सी होगा जो कि मैं कल अगले दिन पार्ट सी आपकी अपलोड करवा दूंगा फॉर द बैलेंस रिमेनिंग एरियाज। आपके सेक्टोरियल प्रोविजंस, ये वाला जो एरिया है, देखेंगे आप पूरी हद तक कि कितने एरियाज को यह कैप्चर कर रहा है। तो स्टूडेंट्स यही फ्लो हमें बना के रखना है, जो मैंने पार्ट ए का भी आपको दिया होगा, पार्ट ए में भी मैंने जो अब तक हमने डिस्कशन किया है, इसकी सारी की सारी पीडीएफ फाइल, सारी की सारी पीडीएफ फाइल स्टूडेंट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है प्राइमरी, या फिर आप टेलीग्राम चैनल है सी दुर्गेश सिंह, या फिर आप देख सकते हैं हमारे डीएसटीसी ऐप में, नाम ही है ऐप का, है ऐप का नाम ही है डीएसटीसी। तो वहां पे स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाके वहां पे आपको ये पूरी पीडीएफ फाइल रिवीजन का मिल जाएगा। ये एक तरीके से स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन ओरिएंटेड रिवीजन है, एग्जाम के डे का रिवीजन मान के चले आप, ताकि आपके रिवीजन बहुत इफेक्टिव डिसाइसिव तरीके से बनी रहे। लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। तो आप ये देख रहे हो यहां पे पहला पॉइंट है डिडक्शन ऑन द डिपॉजिट, और डिपॉजिट पे जो डिडक्शन है वो आपको दिया जाएगा एज अ परसेंटेज ऑफ पीजीपीपी। दूसरे सेगमेंट में डिडक्शन एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम, तीसरे सेगमेंट में है प्रो रेटा डिडक्शन, चौथे में है डिडक्शन ऑन कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन, फिर आपके हैं प्रॉफिट लिंक डिडक्शन, एएमटी, सेट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, प्रिजम्पटिव इनकम, और फिर आप में यहां पे इस तरीके से आपको इसको क्लोज करना है। अब अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स यहां पे टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अलाउंस 33 एबी, पहला है आपका टी कंपनी वालों के लिए है, टी कॉफी रबर कंपनी। इसमें आप लोग नोटिस करना स्टूडेंट्स, देखिए दो एक्टिविटी पे नजर घुमाइएगा कि एक्टिविटी क्या है। तो अगर मेरी एक्टिविटी है यहां पे, बताइए क्या एक्टिविटी है, ग्रोइंग द टी लीव्स एंड सेलिंग देयर ऑफ, ग्रो करना है टी लीव्स किसके लिए, ताकि उसको मैं बेच सकूं। अगर ये एक्टिविटी है, सिर्फ ग्रोइंग है टी लीव्स या फिर कॉफी बीन या फिर रबर प्लांट, वो ग्रो होके उसको बेच दिया जाता है, एग्जेम्प्ट है सेक्शन 10(1) में। लेकिन अगर मेरी एक्टिविटी, देख लो राइट हैंड साइड में, अगर मेरी एक्टिविटी क्या है, कंपोजिट एक्टिविटी है, इसका मतलब है ग्रोइंग भी है प्लस मैन्युफैक्चरिंग, इट इज अ कंपोजिट एक्टिविटी, तो फिर उस केस में स्पेशल प्रोविजंस का आपको सामना करना पड़ सकता है। उसमें सबसे पहला है आपका स्टूडेंट, अगर आप देखेंगे यहां पे पहले में आपको आता है 33 एबी का डिडक्शन। ये डिडक्शन आपको दिया जाता है अगर आपने नाबार्ड में क्या है पैसे जमा किए हैं, तो नाबार्ड में पैसे जमा करने पे आपको डिडक्शन दिया जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था थीम क्या है हमारा, ये कैटेगरी का थीम क्या है, डिडक्शन ऑन द डिपॉजिट। तो फिर नाबार्ड में पैसा जमा किया, डिडक्शन आपने ले लिया, कितना डिडक्शन आपको दिया जाएगा, तो ये देखिए आपको इसका डिडक्शन अगर आप देखेंगे तो कितना डिडक्शन आपको मिलने वाला है यहां पे। तो पहले तो बात है कि आप कब तक आपको ये पैसे जमा करने पड़ेंगे, यू हैव टू डिपॉजिट द मनी विदिन 6 मंथ्स, विदिन द 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर 1920 अगर आपका है तो विदिन 6 मंथ आपको पैसे जमा कर देना है, एंड अकॉर्डिंगली आपको फिर डिडक्शन मिल जाएगा। ये डिडक्शन आपको कितना दिया जाएगा, तो डिडक्शन 33 एबी का जो दिया जाएगा वो है द लोअर ऑफ द फॉलोइंग टू, लोअर ऑफ द फॉलोइंग टू क्या है, वो दो अमाउंट, एक है द अमाउंट डिपॉजिटेड एंड कंपेयर्ड विद, किससे के साथ कंपेयर करेंगे, पीजीबीपी बिफोर सेक्शन 33 एबी, पीजीबीपी बिफोर सेक्शन 33 एबी। अगर ये 40% ऑफ पीजीबीपी बिफोर सेक्शन 33 एबी है, तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, जानते हो कि ये जो 33 एबी का जो डिडक्शन है, सबसे लास्ट में आपको ये डिडक्शन देना है, 33 एबी का ये जो डिडक्शन है, दिस डिडक्शन इज द लास्ट डिडक्शन। तो होगा ये ना स्टूडेंट्स कि अगर आपको टोटल इनकम का क्वेश्चन अगर आता है, क्योंकि ध्यान रखना स्टूडेंट्स टोटल इनकम के क्वेश्चन पहले बन चुके हैं, पहले टोटल इनकम के क्वेश्चंस बन चुके हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल आपको रहना है। तो अगर ये टोटल इनकम का क्वेश्चन अगर आपको एग्जामिनेशन में इस बार भी बनता है, तो फिर आप उस पर्टिकुलर केस में बताओ क्या करोगे, पहले तो आप नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स फॉर बिजनेस जो भी होगा वो, फिर उसमें जो पीजीबीपी के जो एडजस्टमेंट्स होंगे, पीजीबीपी के जो एडजस्टमेंट्स होंगे वो पूरे एडजस्टमेंट्स आप पहले दे देना, ये टी वाले एडजस्टमेंट्स को छोड़ के, टी कंपनी के जो स्पेसिफिक एडजस्टमेंट है उसको छोड़ के, जो भी जो दूसरे जो एडजस्टमेंट्स है पीजीबीपी के आप वो दिलवा दो, और फिर कहां तक आपको आना है, आपको आना है प्रॉफिट बिफोर द डिडक्शन ऑफ 33 एबी, प्रॉफिट बिफोर द डिडक्शन ऑफ 33 एबी आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा।
And that exactly is the point. So amount deposited in NABARD or 40% of PGBP before deduction of section 33AB. Before the deduction of section 33AB, तो ये आप यहाँ तक deduction दिलवाएंगे, वो deduction आप दे देना, और फिर finally आपको क्या है, ये amount जो बनेगा, अब थोड़ा सा careful रहना students इसमें, जो भी amount अब बच जाता है आपके पास, उसमें आप फिर rule 8, 7A and 7B का ये क्या करेंगे, 60%, 65% and 75%, आपको पता ही होगा कि उतना टुकड़ा क्या है, ये है agricultural income और balance टुकड़े को ही हम बोलेंगे क्या नॉन एग्रीकल्चरल इनकम. तो फिर आपको फिर से मैं चेतावनी दे रहा हूं ये बोल के कि यू शुड बी केयरफुल ऑन वन थिंग. आप ये 60% 65% 75% अप्लाई नहीं करेंगे ऑन द टोटल इनकम. ये टोटल इनकम पे अप्लाई नहीं की जाती है, इसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा ओनली ऑन द बिजनेस इनकम. ओनली ऑन व्हाट? ऑन द बिजनेस इनकम. ये केयरफुल रहना आप लोग, क्योंकि आपके टोटल इनकम में अगर आप देखोगे तो आपके पास तो IFOS का इनकम भी हो सकता है, आपके पास तो कैपिटल गेन्स का भी इनकम हो सकता है, आपने कोई इंटरेस्ट इनकम कमाया होगा फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, ऐसे भी कुछ ऐसे इनकम है. तो क्या आप उस पे, क्या आप ये 40% 60% क्या एग्रीकल्चरल नॉन एग्रीकल्चरल का गेम खेलते हो? एंड द आंसर इज नो. उस पे तो ऐसा कोई गेम खेला नहीं जाता, एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू हैव टू बी केयरफुल ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट. तो यहां पे स्टूडेंट्स आप लोग एक चीज नोटिस करना कि ये जो 40% ऑफ पीजीबीपी है बिफोर डिडक्शन ऑफ सेक्शन 33AB, ये जो डिडक्शन है ये आपको देना, ये जो सॉरी डिडक्शन आप देख के फिर जो आपके पास अमाउंट आता है वो अमाउंट पे, बैलेंस अमाउंट पे आपको रूल 8, 7A एंड 7B अप्लाई करना है, जिसमें से 40% 35% और 25% ही जो पोर्शन है वो क्या माना जाएगा, एज अ टैक्सेबल पोर्शन ऑफ बिजनेस इनकम, टैक्सेबल पोर्शन ऑफ बिजनेस इनकम. अगर एक पॉइंट है, आगे बढ़ने के पहले थोड़ा सा ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, जैसे ये रूल 8 एप्लीकेबल हो जाता है, जैसे ये रूल 8 एप्लीकेबल हो जाता है, उसके लिए एक स्पेसिफिक चीज मैं आपको बताना, ध्यान से सुनना. मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन भी है और बाकी सारे खर्चे भी है, फिर उसके बाद मैं क्या करता हूं, मेरा पीजीबीपी आता है, एक तरीके से पीजीबीपी लाता हूं, और फिर उसमें से 60% 40% की स्प्लिट होती है, 60% और 40% की स्प्लिट होती है एज पर रूल 8. तो जैसे वो स्प्लिट होता है नेट प्रॉफिट से या पीजीबीपी से, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जितने भी मुझे डिडक्शन मिले हैं, जितने भी मुझे डिडक्शन मिले हैं वो सिर्फ और सिर्फ 40% तक ही बच गया, वो सिर्फ और सिर्फ 40% तक ही बच गया, क्या ये कहा जा सकता है? एंड आंसर इज यस. क्यों मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेरा डिडक्शन सिर्फ 40% तक ही बच गया? क्योंकि स्प्लिट होने के बाद 60% जो है, 60% जो है वो एग्रीकल्चरल कंपोनेंट उसको माना जाता है, और क्योंकि वो एग्रीकल्चरल कंपोनेंट है इस वजह से वो तो नॉट एसेसिबल है, वो तो एसेसिबल होता ही नहीं है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा प्रॉफिट है उसका सिर्फ 40% ही क्या है, एसेसिबल है, उसका सिर्फ 40% ही क्या है, एसेसिबल है. तो जितने डिडक्शन आपने लिए हैं, जितने भी डिडक्शन आपने लिए हैं उसका सिर्फ और सिर्फ 40% ही क्या है, एसेसिबल है, एसेसिबल है, मतलब आपको डिडक्शन उसका मिला है. तो 33AB का भी क्या मैं कह सकता हूं, जो डिडक्शन मेरी बनी होगी 33AB का, उसका सिर्फ रूल 8 अप्लाई करने के बाद 40% ही मेरे हाथ में रह गया है, क्या यह कहना सही होगा? एंड द आंसर इज यस, क्योंकि रूल 8 अप्लाई होने के बाद सिर्फ 33AB का भी अगर देखा जाए तो सिर्फ 40% ही आपका क्या है, रह गया है डिडक्शन जो आपको एक्चुअली मिला है. दिस इज द इंपैक्ट ऑफ दिस रूल 8, 7A एंड 7B. अच्छा स्टूडेंट्स, फिर जो आपके पास ये जो आ जाता है ना टैक्सेबल पोर्शन, ये जो टैक्सेबल पोर्शन आपके पास आ जाता है इधर, ये टैक्सेबल पोर्शन आफ्टर अप्लाइंग दिस रूल 8, उसमें से फिर आप क्या करेंगे, ब्रॉडफोर्ड बिजनेस लॉ 72 का ये सेट ऑफ करेंगे. क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, ये भी गलती आपसे हो सकती है एग्जामिनेशन में, ब्रॉडफोर्ड लॉस को आप कहां पे, बिफोर रूल 8 अप्लाई करने के पहले अगर आपने ब्रॉडफोर्ड लॉस को सेट ऑफ करवाया तो आपका आंसर पूरी तरह से गलत है. बिफोर रूल 8 अप्लाई किए अगर आपने ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को सेट ऑफ किया है तो फिर आपका आंसर पूरी तरह से स्टूडेंट्स क्या है, गलत है. आपको ये नहीं करना है. ऐसा क्यों? बात एकदम वाजिब है इस बात को लेके कि ध्यान रखें स्टूडेंट्स कि जो लॉसेस जो आप कैरी फॉरवर्ड करते हो ना, आप मुझे बताओ क्या एग्रीकल्चरल कंपोनेंट जितना है 60% 65%
या फिर 75% जो है क्या उतना हिस्सा लॉस का क्या कैरी फॉरवर्ड कभी होगा? एंड आंसर इज नो. जो कैरी फॉरवर्ड भी करते हो लॉस को आप, वो सिर्फ और सिर्फ होता है किसका? ओनली ऑफ द असेसेबल पोर्शन. सो ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द असेसेबल पोर्शन दैट यू कैरी फॉरवर्ड द लॉसेस. ये चीज आप लोग ध्यान में रखना, ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द असेसेबल पोर्शन यू विल कैरी फॉरवर्ड द लॉसेस. और यही चीज है कि जो ब्रॉड फॉर बिजनेस लॉस है वो क्योंकि असेसेबल पोर्शन ही आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड करते हो, इस वजह से जो बैलेंस 40% 35% और 25% जो करंट ईयर का पीजीबीपी है वो उसमें से आप क्या करोगे, ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को सेट ऑफ करोगे, उससे आपको अपना फाइनल पीजीबीपी मिल जाएगा. फिर अदर हेड्स के इनकम जो है जीटीआई चैप्टर 6 है एंड टोटल इनकम. ये आपका स्टूडेंट फर्स्ट कैटेगरी का क्या है एनालिसिस है. दिस इज योर फर्स्ट कैटेगरी एनालिसिस. तो ये चीज आप लोग ध्यान रखें, दिस इज योर फर्स्ट कैटेगरी एनालिसिस. अब इस कॉन्टेक्स्ट में आइए सेकेंड पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहां पे सब्सिक्वेंट विड्रॉल फ्रॉम नबार्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. तो अब पैसे तो आपने जमा कर दिए, आप फिर उसको नबार्ड में जमा कर रहे हो. अब नबार्ड में स्टूडेंट्स ऐसा कोई लॉक इन पीरियड नहीं है कि आपको ये 5 साल के लिए 4 साल के लिए क्या है पैसे रखने पड़ेंगे, ऐसा कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, ठीक है. लेकिन क्या होगा कि जिस साल भी अगर आप पैसे को विड्रॉ करते हो तो आपको उस साल में आपको वो पैसे को यूटिलाइज करना पड़ेगा. सो यू हैव टू यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर मनी इन द ईयर इन विच इट इज विड्रॉन. ये चीज आप लोग ध्यान रखना. तो सब्सिक्वेंट विड्रॉल फ्रॉम नबार्ड में अगर आप देखोगे तो यूटिलाइजेशन है, और दूसरे केस में मैंने क्या लिखा है, नॉन यूटिलाइजेशन इन द ईयर ऑफ विड्रॉल. नॉन यूटिलाइजेशन इन द ईयर ऑफ विड्रॉल में अगर आप देखोगे तो देयर इज अ डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 33AB. नॉन यूटिलाइजेशन इन द ईयर ऑफ विड्रॉल में अगर आप देखेंगे तो वहां पे डीम्ड इनकम है. तो जितना पोर्शन अमाउंट का जो नॉन यूटिलाइज जो आप इस्तेमाल नहीं कर पाए विड्रॉ करने के बाद, जितना पोर्शन आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाए उतना पोर्शन हम क्या कहेंगे उसको, एज डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 33AB. आप लेफ्ट हैंड साइड देखना यूटिलाइजेशन में क्या लिखा है, अगर मिस यूटिलाइज अगर आप करते हो ये अमाउंट को, मतलब कि अमाउंट हैज नॉट बीन यूटिलाइज एज पर द स्कीम, तो वो मिस यूटिलाइजेशन भी उसको क्या माना जाएगा, एज अ डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 33AB. वो मिसयूटिलाइजेशन को भी डीम्ड इनकम मानी जाएगी अंडर सेक्शन 33AB. अब नोटिस करना स्टूडेंट्स, यूटिलाइजेशन एज पर स्कीम के हिसाब से अगर आप पैसे को क्या करते हो यूटिलाइज करते हो तो फिर उस केस में क्या है उस पर्टिकुलर केस में, तो यूटिलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखोगे कि आपने स्कीम के हिसाब से अगर क्या किया है उसको पैसे को इस्तेमाल किया है, तो फिर वो अगर पैसा आपने इस्तेमाल किया है फॉर इनकरिंग अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इफ इट इज फॉर इनकरिंग अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो फिर क्या होगा, वो अमाउंट डिसअलाउ हो जाएगा अंडर सेक्शन 33AB. सो दैट अमाउंट विल बी डिसअलाउड अंडर 33AB. ऐसा क्यों डिसअलाउ हो जाएगा 33AB में, क्योंकि भाई आपको तो पहले डिडक्शन मिल चुका था एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट. तो इस वजह से जब आप उसको इस्तेमाल करोगे फॉर द पर्पज ऑफ द स्कीम तो वो डबल डिडक्शन हो जाएगा, एंड दैट इज द रीजन व्हाई व्हाट दे डू दे डिसअलाउ दैट पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर. तो 33AB में फ्रेंड्स ये डिसअलाउ हो जाता है. उसके बाद अगर आप देखोगे इसमें आप अगर विड्रॉ करके अगर आपको कुछ करना भी है तो आपको क्या करना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करना चाहिए फॉर एक्वायरिंग दी एसेट, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन तो वैसे भी हमको मिलती नहीं है लेकिन उसका बेनिफिट हमको मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन. और डेप्रिसिएशन अपने आप में आपको पता होगा इट इज नॉट इन द नेचर ऑफ एन एक्सपेंडिचर बट इट इज इन द नेचर ऑफ एन अलाउंस. डेप्रिसिएशन इज नॉट इन द नेचर ऑफ एन एक्सपेंडिचर बट इट इज इन द नेचर ऑफ अलाउंस. लेकिन स्टूडेंट्स इसके अंदर ध्यान रखना लॉक इन पीरियड दिया गया है कि ठीक है भाई आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे बाय एक्वायरिंग एन एसेट, और फिर उस एसेट पे जो भी डेप्रिसिएशन बनेगा वो आपको आगे सालों में मिलता भी रहेगा, सो यू विल बी एलिजिबल टू क्लेम द डेप्रिसिएशन अलाउंस, इजंट इट. लेकिन ये जो एसेट है कैपिटल एसेट जो है उसकी लॉक इन पीरियड है, और वो लॉक इन पीरियड स्टूडेंट्स है 8 ईयर्स का, 8 ईयर्स की लॉक इन पीरियड है. नोटिस करना स्टूडेंट्स ये जो लॉक इन पीरियड का जो कंसेप्ट है पीजीबीपी के हेड के अंदर, आपको पता होगा कि कैपिटल गेन्स में लॉक इन पीरियड है 54 सीरीज के अंदर, इजंट इट. उसी तरीके से आप देखोगे कि कैपिटल गेन पीजीबीपी में 3 सेक्शन है जहां लॉक इन पीरियड दिया गया है. एक तो आपका 32AD इन्वेस्टमेंट अलाउंस वाला जो सेक्शन है, वहां पे जो 32AD का सेक्शन है जहां पे आपको क्या मिलता है 15% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑन द एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी. तो वो जो आपको 15% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑन द एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी का जो डिडक्शन आपको मिलता है वहां पे, वो एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी को आपको 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन आपको क्या करना पड़ेगा,
यू हैव टू दैट इज द पीरियड ऑफ लॉक इन. अगर विद इन 5 years पीरियड अगर आपने उसको क्या किया है ट्रांसफर कर दिया है देन इट विल रिजल्ट इनटू अ डीम्ड इनकम. डीम्ड इनकम कितना होगा जितना आपने डिडक्शन 32AD में पहले लिया था उतना. उसी तरीके से ये सेक्शन भी अगर आप देखोगे इन 33AB द सेम थिंग हैपेंस कि अगर 8 years के अंदर अंदर आपने क्या किया है उस एसेट को ट्रांसफर कर दिया है तो फिर जितना आप जो इसमें डीम्ड इनकम हो जाएगा 33AB में 33AB का डीम्ड इनकम कितना होगा जितना तक का आपने वो कैपिटल एसेट के कॉन्टेक्स्ट में जो अक्वायर करने पे डिडक्शन जो पहले लिया होगा 33AB में उतना तक का अमाउंट का क्या है डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा. ठीक है ये तो डीम्ड इनकम हो गया. ऑन द फैक्ट दैट क्योंकि आपने कैपिटल एसेट भी बेचा है कैपिटल एसेट को भी बेचा है तो उस कैपिटल एसेट के बेचने पे कैपिटल गेन्स की इंपैक्ट भी आपको देखने को मिलेगी. तो डीम्ड इनकम होके जो पहले का डिडक्शन आपने जो लिया था 33AB में और अभी जब डीम्ड इनकम हो चुका है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे ये एक दूसरे को काट देंगे सेट ऑफ ये रिकंसाइल हो जाएगा. पहले डिडक्शन लिया था अब आपने डिफॉल्ट कर दिया तो डीम्ड इनकम हो गया तो ये एक दूसरे को रिकंसाइल कर देंगे और फिर जो कैपिटल एसेट पे बेचने पे आपको जो एक कॉन्सिक्वेंस होगा वो कॉन्सिक्वेंस होगा ऑफ द कैपिटल गेन्स. दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू सजेस्ट इन दिस पर्टिकुलर केस. अब स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे इसमें ये सिचुएशन में यहां पे मैंने दो जगह पे ये स्टार मार्क कर रखा है ये क्या एग्जैक्टली आपको बता दो. आपने नोटिस किया होगा नॉन यूटिलाइजेशन पे भी डीम्ड इनकम है. नॉन यूटिलाइजेशन इन द ईयर ऑफ विड्रॉल उस पे भी डीम्ड इनकम बनाई गई थी इन 33AB. और उसी तरीके से अगर आपको यहां पे बताओ ये जो डीम्ड इनकम यहां पर भी बन रहा है ये स्टार मार्क किया गया इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए. वो क्या है कि जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि रूल जब आपने जब डिडक्शन लिया था 33AB का when you have deposited the money in NABARD, तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था कि रूल 8 के एप्लीकेशन होने के बाद सिर्फ जो डिडक्शन जो बच जाता है जो वाकई में आपको डिडक्शन मिला है वो सिर्फ 40% 35% या 25% तक का ही पोर्शन का आपको डिडक्शन मिला है. After applying rule 8(7)(7)(b) जो deduction जो 33AB का जो आपको वाकई मिला है वो सिर्फ 40% 35% और 25% तक का ही मिला है. तो इस वजह से जब वही पर्टिकुलर अमाउंट जो डिपॉजिट करके जो डिडक्शन आपने लिया था उसका अगर डिफॉल्ट होता है और उस डिफॉल्ट की वजह से डीम्ड इनकम बनता है तो वो डीम्ड इनकम का कितना हिस्सा टैक्सेबल माना जाएगा कितना हिस्सा टैक्सेबल माना जाएगा. सो द टैक्सेबल पोर्शन ऑफ डीम्ड इनकम वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू 40% 35% एंड 25% एज द केस में भी. तो ये चीज रखी गई है. तो स्टूडेंट वो जो क्वेश्चन जो है हमारा वो आपको देखना है उसको आप एग्जामिनेशन के डे पे भी देख के जाएंगे. और वो क्वेश्चन किस पे बता रहा हूं मैं चाइल्ड लिमिटेड वाली क्वेश्चन वो आपके रेगुलर किताब में कैप्सूल किताब में अपने कंपाइलर के बुक्स में वो वाले ही क्वेश्चन को आपको देख के जाना. बेहतरीन क्वेश्चन बनाए गए हैं आप लोगों के लिए वो देखना होगा इवन ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन. क्योंकि टी कंपनी पे टोटल इनकम का क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बनती है और इस वजह से आप उसको इग्नोर नहीं करेंगे. दूसरा जो सेक्शन है जो डिपॉजिट पे आपको जो दिया जाता है वो 36(1)(8) का है. ये किस पर है इसको कंट्रीब्यूशन टू स्पेशल रिजर्व बाय फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और द बैंकिंग कंपनी. तो स्पेशल रिजर्व पे आपने कंट्रीब्यूशन किया है किसने किया है फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और बैंकिंग कंपनी ने. स्टूडेंट्स ये जो डिपॉजिट किया जाता है दैट डिपॉजिट इज डन एज पर द आरबीआई गाइडलाइन. और इसी वजह से जो स्पेशल रिजर्व अकाउंट है विद द आरबीआई उस पे बैंक्स को क्या करना पड़ता है पैसे जमा करने पड़ते हैं. बैंक्स को पैसे जमा करने पड़ते हैं एज पर दैट पर्टिकुलर आरबीआई डायरेक्शन. तो उस पैसे जमा करने पे क्या है बैंक्स को या फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस को क्या है डिडक्शन दिया जाता है अंडर सेक्शन 36(1)(8). जो अमाउंट ऑफ डिडक्शन बनता है वो कितना बनता है द अमाउंट ऑफ डिडक्शन बताओ कितना है लोअर ऑफ द फॉलोइंग थ्री. 33AB में लोअर ऑफ द फॉलोइंग टू था 36(1)(8) में लोअर ऑफ द फॉलोइंग थ्री है. और वो तीन आइटम्स बताइए क्या है द अमाउंट विच इज बीन डिपॉजिटेड इन द स्पेशल रिजर्व अकाउंट एज ऑन द प्रीवियस ईयर दैट इज वन. सेकेंड इज 20% ऑफ पीजीबीपी 20% ऑफ पीजीबीपी बिफोर डिडक्शन ऑफ 36(1)(8). तो जैसे आपने देखा था ना 33AB में पहला दो जो डिडक्शन था लोअर ऑफ द फॉलोइंग टू अमाउंट डिपॉजिटेड इन नाबार्ड कंपेयर्ड विद 40% ऑफ पीजीबीपी बिफोर 36(1)(8). उसी तरीके से यहां पर भी अमाउंट डिपॉजिटेड इन स्पेशल रिजर्व अकाउंट और उसको कंपेयर आप करोगे किसके साथ 20% ऑफ पीजीबीपी बिफोर सेक्शन 36(1)(8). लेकिन यहां पर जो तीसरा वाला जो कैटेगरी है कंपेरिजन का इसी में मैं आपको बता रहा हूं एग्जामिनेशन में भी जब क्वेश्चन अगर बनेगा इसी पे आपका अपना फाइनल आंसर बनेगा. और वो तीसरा कैटेगरी क्या है स्टूडेंट्स टू टाइम्स ऑफ व्हाट पेड अप शेयर कैपिटल
पेड अप शेयर कैपिटल, इसमें दोनों चीज आ जाएंगी, ध्यान रखेंगे आप लोग। और वो दोनों चीज क्या है, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, वो दोनों होगा, प्लस द जनरल रिजर्व एज ऑन द 31st of March ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो ये आपको क्या करना है, पेड अप शेयर कैपिटल लेना है प्लस द जनरल रिजर्व बैलेंस, इसका जो टोटल है उसका 2 times आप लेंगे, और वो ट्वाइस ऑफ दिस अमाउंट कंबाइंड अमाउंट, ट्वाइस ऑफ द कंबाइंड अमाउंट, उसको आप रिड्यूस करेंगे किसके साथ, विद द बैलेंस इन द स्पेशल रिजर्व अकाउंट एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। बैलेंस इन द स्पेशल रिजर्व अकाउंट एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में जो दिया जाएगा आपको बैलेंस इन द स्पेशल रिजर्व अकाउंट एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर दिया जाएगा, एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर दिया जाएगा। सो बैलेंस एज इन द स्पेशल रिजर्व अकाउंट एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर दिया जाएगा। और उसमें से फिर आपको बताओ क्या करना है, उसमें से आपको द बैलेंस एज ऑन द फर्स्ट, आपको फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर चाहिए, लास्ट डे आपको क्वेश्चन में दिया गया है, और आपको चाहिए द स्पेशल रिजर्व बैलेंस एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। कैसे लेकर आओगे रिजर्व बैलेंस एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो अमाउंट ऑफ स्पेशल रिजर्व आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जमा किए हैं, जो अमाउंट आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जमा किए हैं, उसको आप रिड्यूस करोगे किससे, वो द बैलेंस एज ऑन 31st of March, 31 मार्च को जो बैलेंस है जो दिया गया क्वेश्चन में, आप उसमें से रिड्यूस करेंगे क्या, जितना पैसा आपने करंट ईयर में स्पेशल रिजर्व अकाउंट में जमा किया है उसको रिड्यूस कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, द बैलेंस एज ऑन द 1st April ऑफ द प्रीवियस ईयर, द बैलेंस एज ऑन द 1st April ऑफ द प्रीवियस ईयर। So that is how it has to be considered students in this regard. उसके बाद students ये वाला category हो गया, अगला category में है banking company. Banking company को लेके मैंने एक checklist आपको दे रखी है, in respect of the banking company there is a checklist which has been given to all of you. और इसमें देखिए checklist में अगर आप देखोगे तो 3617A, 3617, 43D, United Commercial Bank, Supreme Court, ICDS 8, ये है आपके checklist के 5 points जो आप लोग को ध्यान रखना होगा, checklist के 5 points है जो कि बना के रखा गया है। तो बैंकिंग कंपनी के लिए क्या है वो प्रोविजन, अब स्टूडेंट्स नोटिस करना कि एग्जामिनेशन में भी आपको बैंकिंग कंपनी पे टोटल इनकम के क्वेश्चन बन सकते हैं, उसकी गुंजाइश बहुत ज्यादा है, टोटल इनकम के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में भी बन सकते हैं। तो जब अगर टोटल इनकम का क्वेश्चन अगर आता है एग्जामिनेशन में, तो आपने कैसे अप्रोच उसको करना है, उसकी फॉर्मेट भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए मैंने अपना फॉर्मेट बना के रखा हुआ है, एग्जामिनेशन में किस तरीके से दांव पेच आपको खेलना है, दैट इज ऑल्सो I have already constructed for all of you, तो वो चीज आप बराबर बनाकर रखें, फॉर्मेट ऑफ कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल इनकम, ठीक है। लेकिन वो फॉर्मेट देखने के पहले पहले जल्दी से जल्दी वी विल लुक इन टू वॉट दिस पर्टिकुलर पार्ट, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, पहले जल्दी से आइए सब लोग। तो आप लोग स्टूडेंट्स एक चीज नोटिस करना यहां पर, कि एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैड डेट्स के कॉन्टेक्स्ट में एक चीज आपको ध्यान रखना है, कि जो अभी पीजीबीपी का जो जनरल प्रोविजन है, पीजीबीपी का जो जनरल प्रोविजन है वो बैड डेट्स का जो डिडक्शन देता है वो देता है ऑन द बेसिस ऑफ द एक्चुअल राइट ऑफ ऑफ द बैड डेट्स, एक्चुअल राइट ऑफ ऑफ द बैड डेट्स, उसके बेसिस पे क्या है एक्चुअल डिडक्शन आपको दी जाती है बैड डेट्स की, ये तो आपको पता होना चाहिए। 3617 का जो प्रोविजन है, एज पर दैट प्रोविजन you get deduction of the bad debts only if you have actually written off the debt from the books of accounts, tab jaake deduction milta hai, uska sirf aur sirf ek hi exception hai aur wo exception hai aapka 3617A, as per 3617A yahan pe aapko deduction di jati hai of the provision of the bad and doubtful debts, deduction kiski di jati hai of the provision of bad and doubtful debts। ab ye section kya karta hai 3617A students kya karta hai, कि ये डिडक्शन जो है आपको 1% अप्लाई करना पड़ता है ऑन अ पर्टिकुलर क्वालिफाइंग अमाउंट, ठीक है। अच्छा हम लोग ये प्रोविजन देखेंगे, लेकिन ये जो प्रोविजन ऑन बैड एंड डाउटफुल डेट्स है, ये डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ दिया जाता है किसको, ओनली टू अ बैंकिंग कंपनी एंड टू सम स्पेसिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनके अलावा इनको छोड़ के बाकी सब कैटेगरी ऑफ एसएससी को जो डिडक्शन मिलेगा वो मिलेगा ओनली व्हेन द बैड डेट्स हैज बीन एक्चुअली रिटर्न ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सिर्फ इसी पर्टिकुलर एंटिटी के लिए क्या किया गया है, कार्व आउट किया गया है एज एन एक्सेप्शन, जिसके तहत इनको डिडक्शन मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोविजन फॉर द बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो प्रोविजन के बेसिस पे इनको अपनी डिडक्शन मिलेगी। अच्छा ये जो प्रोविजन जो डिडक्शन जो ये लेंगे ये होगा एज पर द बुक्स, एज पर द इनकम टैक्स लॉ, मतलब कि 3617A में अभी हम लोग देखेंगे कि कितना का प्रोविजन
वो क्रिएट कर सकते हैं जिसका डिडक्शन उनको मिल जाएगा. सो द एक्सटेंट ऑफ द प्रोविजन जिसका वो डिडक्शन लेंगे वो 36(1)(a)(17)(a) में ही क्या है स्पेसिफाई कर दिया गया है. लेट्स हैव अ लुक कि 36(1)(17)(a) में व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ द प्रोविजन फॉर विच दे विल क्लेम द डिडक्शन ऑफ बैड डेट्स. तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पे बैंक्स, देखो मैंने कैटेगरी कैसे बनाया है, बैंक्स एंड नॉन बैंक्स. पहले मैं नॉन बैंक्स को कंप्लीट करता हूं जिसमें लिखा गया पीएफआई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और आपका है एनबीएफसी. एनबीएफसी को भी कवर किया गया है. तो ये भी क्या चीज आप लोग ध्यान रखना, 5% ऑफ द जीटीआई. 5% किसका, पीजीबीपी का नहीं, जीटीआई बिफोर 36(1)(8) ये होगा द क्वालिफाइंग अमाउंट जिसपे 5% अप्लाई करके आपको क्या कर लेना है, डिडक्शन क्लेम कर लेना है. अब अगर आप देखोगे स्टूडेंट बैंक के कॉन्टेक्स्ट में डिडक्शन जो आप दोगे बैंक के कॉन्टेक्स्ट में, तो ध्यान रखना कि दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया. पहला है फॉरेन बैंक, तो फॉरेन बैंक का है आपका 5% ऑफ द जीटीआई अगेन बिफोर 36(1)(17)(a), 5% ऑफ द जीटीआई अगेन बिफोर 36(1)(17)(a). तो ये पहला कैटेगरी है और बाकी जितने भी बैंक है जिसमें मैंने कुछ चीज को एक्सक्लूड कर रखा है और वो एक्सक्लूजन में बताओ क्या है, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, दूसरा आपका बनता है यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट बैंक. तो ये इनको छोड़ के बाकी जितने भी बैंक है, शेड्यूल बैंक होगा, नॉन शेड्यूल बैंक, कॉपरेटिव बैंक, तो उनको दो, देखो यहां पे 2% दिया गया है. तो पहला है 8.5% ऑन द जीटीआई, अगेन ऑन जीटीआई बिफोर 36(1)(17)(a) और फिर उसमें से आप ऐड करेंगे क्या, द 10% ऑफ द एग्रीगेट एवरेज रूरल एडवांसेस जो दिया गया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उसका भी क्या होगा, वो भी आपको उसकी रिडक्शन मिल जाएगी. तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये जो उनके रूरल ब्रांचेस है, ये जो कैटेगरी है बैंक के आपके कॉपरेटिव बैंक, शेड्यूल बैंक, तो उनके जो रूरल ब्रांचेस से जो एडवांस गई है उस पर आपको टॉप अप मिलता है, मतलब एडिशनल मिलता है 10%. जो 8.5% है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा 10% का भी आपको डिडक्शन मिल जाता है. आप बोलोगे सर फॉरेन बैंक को नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं दोगे आप, क्योंकि कोई सिटी बैंक आपको अपने गांव में नहीं मिलेगा, isn't it? And that is the reason why ये first category foreign bank वालों के लिए नहीं है. तो ये होगा students आपका the extent of the provision जिसकी deduction आपको income tax law में मिल जाएगी. This is the extent of the deduction which you will be allowed under the head PGBP. ठीक है, ये deduction आपको मिल जाएगा. अब question students यहां पर ध्यान रखना, एक चीज आपको बताऊं, आपने ये परसेंटेज किस पे अप्लाई करना है, जीटीआई पे अप्लाई करना है. जीटीआई लाने के लिए ध्यान रखना आप सेट ऑफ तक चल जाते हो, मानते हो ना इस बात को, सेट ऑफ वाला पूरा 70 से लेके 80 तक सेट ऑफ देने के बाद आप लाते हो जीटीआई. तो जो क्वालिफाइंग अमाउंट है आपका जीटीआई बिफोर 36(1)(17)(a) जिसपे आपको परसेंटेज अप्लाई करना है, वो कौन से परसेंटेज है, 5% या फिर 8.5% जो दिया गया है. तो ये क्वालिफाइंग अमाउंट जब लाना है आपने, तो अगर क्वेश्चन में आपको ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस या फिर यूएडी दिया गया होगा, तो क्या आप उसको एडजस्ट करके ये क्वालिफाइंग अमाउंट लाओगे और फिर उस पर आप 5% या 8.5% अप्लाई करोगे द एप्लीकेबल रेट, एंड आंसर इज येस. तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी, क्वेश्चन में ऐसा ही आएगा जैसा मैं आपको बोल रहा हूं, और फिर तब आप मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर देना. ठीक है, तो ये सिचुएशन अल्टीमेटली ध्यान रखेंगे आप लोग कि आपने क्वालिफाइंग अमाउंट आपका जो जीटीआई है उसमें लाने के लिए आपने ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और यूएडी का भी एडजस्टमेंट देना है. दैट इज हाउ यू विल बी गेटिंग योर क्वालिफाइंग अमाउंट ऑन विच यू विल अप्लाई 5% एंड 8.5% रिस्पेक्टिवली. ठीक है, फिर आपको जैसे ये डिडक्शन मिल गया तो आपकी पीजीबी भी बन गई. पीजीबीपी जब बन जाती है तो फिर उसके बाद मत भूलना, क्या नहीं भूलोगे, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और फिर यूएडी का आपको एक्चुअल बेसिस पे डिडक्शन देना है. दोगे कि नहीं दोगे, एक्चुअल बेसिस पे डिडक्शन फिर बनेगा कि नहीं बनेगा, ये जो आपको सर एक्चुअल बेसिस पे, मुझे तो लग रहा था कि दो बार बन रहा है. कैसे दो बार बन रहा है भाई, पहले तो आपने क्वालिफाइंग अमाउंट लाने के लिए किया था ना, 36(1)(17)(a) का डिडक्शन का प्रोविजन कितना बनेगा वो पता लगाने के लिए आपने जीटीआई बिफोर 36(1)(17)(a) लाया, जिसके लिए ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और यूएडी आपने एडजस्ट करके आपने जीटीआई बिफोर 36(1)(17)(a) लाया था, फिर आपने 8.5% और 5% अप्लाई करके आपने डिटरमाइन किया प्रोविजन ऑफ 36(1)(17)(a) कितना बनेगा, और फिर बाद में जब पीजीबीपी आपकी आती है तो वो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और फिर यूएडी का एक्चुअल सेट ऑफ जो देना है वो आप देके आपको अपनी पीजीबीपी एंड टू दैट एक्सटेंड योर जीटीआई एंड टोटल इनकम लाना पड़ेगा. वो मैं आपको कंपटीशन में बता दूंगा, अभी आने वाला ये कंपटीशन, चिंता ना करें.
अभी मुद्दा स्टूडेंट्स ये है, आपसे पूछना है कि अगर मुझे डिडक्शन मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोविजन, मुझे डिडक्शन मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोविजन, बैंकिंग कंपनी वालों को या ये जो स्पेसिफाइड नॉन बैंक्स जो है उनको अगर डिडक्शन दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजन, तो फिर ऐसे केस में क्या एक्चुअल बैड डेट्स का उन्हें डिडक्शन दिया जाएगा? तो क्या एक्चुअल बैड डेट्स का उन्हें डिडक्शन दिया जाएगा? तो जनरल आंसर क्या होगा? आंसर टू बी नो। तो जनरली तो आंसर आपका होगा नहीं दिया जाएगा। उसकी वजह भी आपको पता है क्यों नहीं दिया जाएगा, इजंट इट? भाई जब आपको प्रोविजन के बेसिस पर डिडक्शन दिया जा रहा है तो फिर बैड डेट्स की डिडक्शन किस बात की आपको हम दें? लेकिन ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, एक केस है यहां पे जहां पे आपको एक्चुअल बैड डेट्स का भी डिडक्शन मिल सकता है, और बताइए वो केस कौन सा है? तो एक्चुअल बैड डेट्स की डिडक्शन स्टूडेंट्स तब आपको दी जाएगी जब एग्रीगेट बैड डेट्स जो है आपका वो एक्सीड कर जाएगा। एग्रीगेट बैड डेट्स इफ इट एक्सीड्स व्हाट? एक्सीड द टोटल प्रोविजन मेड सो फार। तो आप नोटिस करना यहां पे कि अगर एग्रीगेट अभी तक का बैड डेट जो हुआ है वो अभी तक के प्रोविजन से अगर ज्यादा है, अभी तक का जो बैड डेट्स हुआ है वो अगर अभी तक के जो प्रोविजन से अगर ज्यादा है, तो जो एक्सेस होगा बैड डेट बस उसी एक्सेस अमाउंट का क्या है आपको डिडक्शन दिया जाएगा। तो बस ये पर्टिकुलर पॉइंट है जो कि ध्यान रखना स्टूडेंट्स। चलिए चेकलिस्ट जो आपको दिया गया था उसका तीसरा पॉइंट था आपका 43D। अभी 43D स्टूडेंट्स क्या है? इंटरेस्ट ऑन स्टिकी लोन्स। इंटरेस्ट ऑन स्टिकी लोन्स, स्टिकी लोन्स का मतलब है जो एनपीए टाइप के जो लोन्स हो जाते हैं उस पे जो इंटरेस्ट इनकम है। तो 43D का स्पेशल प्रोविजन है बैंकिंग कंपनी वालों के लिए, बचा दिया है बैंकिंग कंपनी वालों को 43D ने। 43D कहता है कि ये जो इंटरेस्ट इनकम जो रिकॉग्नाइज किया जाएगा वो उस प्रीवियस ईयर में इंटरेस्ट इनकम को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। किस, लेकिन ये किस पे इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं, किस पे इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन द एनपीए काइंड ऑफ अ लोन और इंटरेस्ट ऑन द स्टिकी लोन। तो ये जो इंटरेस्ट इनकम जो है वो उस पर्टिकुलर एनपीए पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, वो उस प्रीवियस ईयर में रिकॉग्नाइज किया जाएगा जिस प्रीवियस ईयर में क्या है, या तो उसको इंटरेस्ट इनकम रिसीव हुआ है या फिर उसने वो इंटरेस्ट इनकम को अपने बुक्स में क्रेडिट किया है। विच एवर इज अर्लियर दैट इज वॉट द रिकॉग्निशन ऑफ द इंटरेस्ट इनकम विल बी ऑल अबाउट। सो द इंटरेस्ट इनकम विल बी कंसिडर्ड, इंटरेस्ट ऑन द स्टिकी लोन दिस विल बी कंसिडर्ड एज द इनकम आइदर इन द ईयर ऑफ रिसीट और द ईयर इन विच द इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, विच एवर हैपेंस अर्लियर दैट इज हाउ इट हैज टू बी कंसिडर्ड। अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, ये एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अब स्टूडेंट्स होता क्या है कि आरबीआई का जो ये प्रूडेंशियल नॉर्म्स है, उस प्रूडेंशियल नॉर्म्स में अगर आप देखोगे तो वहां पे ये जो सिक्योरिटीज इनको क्या होता है, बैंक्स को शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में पैसे जमा करने पड़ते हैं। इन द शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज दे हैव टू डिपॉजिट द मनी, और क्योंकि शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में उन्हें पैसे जमा करने पड़ते हैं, इस वजह से देयर इज अ ह्यूज फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, देयर इज अ ह्यूज फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज। क्योंकि शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी में पैसे जमा करने पड़ते हैं, इस वजह से देयर इज अ ह्यूज फ्रीक्वेंसी एंड वॉल्यूम, दोनों ही की बात हो रही है, फ्रीक्वेंसी की भी और वॉल्यूम की भी, ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटी। और इसी वजह से क्या हो जाता है कि ये जो इनकी वैल्यूएशन है वो इनकी वैल्यूएशन डिटरमाइन करना है आपने किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लोअर, लोअर ऑफ द कॉस्ट और एनआरवी, इसके आधार पे क्या होगा इसकी वैल्यूएशन की जाती है। क्योंकि जो सिक्योरिटी है वो जो ये विच इज कंसिडर्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड इन द हैंड्स ऑफ द बैंक, तो कोई भी स्टॉक इन ट्रेड की वैल्यूएशन तो यही होता है, कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लोअर, ठीक है। अब आप नोटिस करो स्टूडेंट, आईसीडीएस 8 भी अगर आप देखोगे तो वो भी वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी के लिए ही है। तो इसी वजह से उसकी वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी की चर्चा भी एक बार कर ले। वैसे एक बार एग्जामिनेशन में आ चुका है वेरी रिसेंटली, आई थिंक नवंबर 18 में ये था, नवंबर 18 या मई 19 में, दो में से एक अटेम्प्ट में था, जो भी है डजंट मैटर, ये भी वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी के लिए ही है। अब इसमें क्या बोला गया है आईसीडीएस 8 वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी, अगर आप देखोगे पार्ट ए आपको दिया गया है, इट डील्स विथ व्हाट, सिक्योरिटीज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, इसका मतलब जो सिक्योरिटी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यूएशन नहीं उसकी कंसिडर की जाएगी आईसीडीएस 8 में, फाइन। और फिर इट इंक्लूड्स प्राइवेट लिमिटेड या क्लोजली हेल्ड कंपनी के अगर शेयर्स को भी अगर आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है,
विच इज हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड, तो वो भी इसी ICDS 8 के आधार पे आपको क्या करना है, वैल्यूएशन करना है। और ये ICDS 8 का पार्ट ए किसको अप्लाई नहीं करेगा, किसको अप्लाई नहीं करेगा, तो देखो क्या लिखा है, सिक्योरिटीज हेल्ड बाय होम, म्यूचुअल फंड कंपनी, VCF दैट इज वेंचर कैपिटल फंड, बैंक एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो कैटेगरीज है ऑफ द पर्सन, उनको ICDS 8 का पार्ट ए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो देखो बैंक का भी लिखा है उन्होंने इन दिस केस, तो ये बैंक के लिए क्या होगा फिर, अगर बैंक जो है उसके लिए वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, तो वो पार्ट बी में बताया गया है। और पार्ट बी में कोई आपको कोई पैरामीटर नहीं दिया गया है, पार्ट बी जो है ना ICDS 8 का, उसमें कोई पैरामीटर ही नहीं है। तो जो पैरामीटर कुछ जैसे यहां पे तो मिलेगा आपको, बकायदा आपको मिलने वाला है कि कैसे वैल्यूएशन की जाएगी, कैटेगरी वाइज सब चीज देंगे वो। पार्ट बी में वो बोलते हैं कि RBI मतलब कि जो रेगुलेशन है उसके हिसाब से, और रेगुलेशन वेगुलेशन कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, बॉटम लाइन यही है, आपको बस एक ही चीज याद रखना है एग्जामिनेशन के लिए, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, बैंक वालों के लिए यूनाइटेड कमर्शियल बैंक का नारा लगाकर आपको आना है एग्जामिनेशन में, बैंक के लिए यूनाइटेड कमर्शियल बैंक का नारा लगाना है। और बाकी सारे कैटेगरी में अदर देन बैंक है, तो फिर आपको इनके लिए वैल्यूएशन इस तरीके से करना है ICDS 8 के मुताबिक। तो ICDS 8 क्या बताता है, कैसे वैल्यूएशन करना है, तो वैल्यूएशन में उन्होंने बताया कि आप परचेज के टाइम पे उसकी बुकिंग कैसे करोगे, वैल्यूएशन कैसे करोगे जब आप उसको एक्वायर करते हो, और फिर सब्सिक्वेंटली 31 मार्च को इसकी वैल्यूएशन कैसे की जाएगी। तो वैल्यूएशन एज पर ICDS अगर आप देखोगे स्टूडेंट यहां पे, तो इनिशियल रिकॉग्निशन है यहां पे, एक्चुअल कॉस्ट और फेयर वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी सो एक्वायर्ड इन द केस ऑफ द एक्सचेंज, तो इनिशियल रिकॉग्निशन उसी तरीके से की जाएगी, एक्चुअल कॉस्ट और फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी सो एक्वायर्ड। तो ये फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफ So acquired, ये किसके लिए आपको लेना पड़ेगा, इन द केस ऑफ दैट सिक्योरिटी विच इज एक्सचेंज्ड, जो मतलब आपने क्या किया है, वो सिक्योरिटी को एक्सचेंज करके आपने दूसरे सिक्योरिटी को हासिल किया है, तो आपको उस कॉन्टेक्स्ट में क्या करना होगा, उसकी इनिशियल रिकॉग्निशन लेनी होगी। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन ये मतलब कि 31 मार्च, मतलब कि इनिशियल तो एक्चुअल कॉस्ट पे होगा, या फिर अगर आपने कोई एसेट देके सिक्योरिटी लिया है, तो वो जो सिक्योरिटी की फेयर वैल्यू क्या है, वो बनेगा उसका इनिशियल वैल्यू, जो कि हम लोग क्या बोलते हैं पॉपुलरली एक्चुअल कॉस्ट। सब्सिक्वेंटली मतलब 31 मार्च को कैसे वैल्यू करते हो आप लोग, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, लेकिन ये जो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर आप लोगे, ये कैटेगरी वाइज लोगे, और चार कैटेगरी डिफाइन किया गया है। कौन से है वो चार कैटेगरी, आपके पास शेयर्स है, आपके पास डेट सिक्योरिटी है, कन्वर्टेबल है, और अदर्स है, तीन दिया गया है। तो जैसे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, उसका आप एक कैटेगरी बनाएंगे, एक कंपार्टमेंट बनाएंगे, डिबेंचर्स डेट सिक्योरिटीज का एक कंपार्टमेंट, कन्वर्टेबल का तीसरा कंपार्टमेंट, और अदर्स का बैलेंसिंग का आप फोर्थ कंपार्टमेंट। ईच कंपार्टमेंट का आपको एग्रीगेट कॉस्ट लेना है, एग्रीगेट कॉस्ट लेना है आपको, और उसकी एग्रीगेट एनआरवी लेंगे, लोअर ऑफ द टू ये आपकी वैल्यूएशन होगी। जैसे मैंने कहा ना स्टूडेंट, शेयर्स में आप क्या करोगे, शेयर्स में दोनों ही आपको कंसिडर करना है, वो दोनों आप क्या कंसिडर करोगे, दोनों का मतलब है एग्रीगेट शेयर्स में आप इक्विटी भी लेंगे, प्रेफरेंस भी लेंगे। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो एग्रीगेट आप पूरे शेयर्स का ले लें, और जो भी उसका एग्रीगेट कॉस्ट है और एग्रीगेट उसकी एनआरवी है, एग्रीगेट बेसिस पे लेके फिर बाद में वो एग्रीगेट अमाउंट को कंपैरिजन आपको देनी है। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू। जल्दी से फॉर्मेट बता देता हूं, फॉर्मेट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर द बैंकिंग कंपनी। तो फिर कैसे फॉर्मेट स्टूडेंट्स ये किया जाएगा, तो पर्टिकुलर अमाउंट और अमाउंट, सो नेट प्रॉफिट एज पर द बुक्स ये है। अब इसमें देखो पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू, इसमें एड और लेस ऑल दी अदर कॉमन एडजस्टमेंट जो भी होंगे अदर देन दो स्पेसिफिकली रिलेटेड टू दी बैंक। तो पहला आपने वही करना है कि सारे जो कॉमन एडजस्टमेंट्स है, ये क्यों मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि देखो 3617A आने वाला है, और वो क्या बोलेगा, GTI बिफोर 3617A, इसी वजह से इसमें भी वही काम करें आप कि सारे जो कॉमन एडजस्टमेंट्स है वो आप उसको पहले ही एग्जीक्यूट कर ले, और फिर वो क्या होगा, आपको जो भी होगा एड और लेस PGBP के वो आप करके फिर आप आइए स्पेसिफिक वाले एडजस्टमेंट को लेके। और फिर मैंने क्या लिखा है, स्पेसिफिक एडजस्टमेंट में आपको पहले चेक करना है 43D का जो इंटरेस्ट ऑन स्टिकी लोन है, तो क्या किया उन्होंने आपको, अगर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर वो देते हैं क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट ऑन स्टिकी लोन्स NPA लोन्स को उन्होंने क्रेडिट नहीं किया है, या उसको वो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, तो अगर ना तो क्रेडिट हुआ है ना ही रिसीव किया है, तो क्या आप उसको खुद से इनकम बनाओगे, नहीं बनाओगे। 43D तो यही बोलता है कि अगर वो इंटरेस्ट ऑन NPA अगर वो क्रेडिट नहीं हुआ है, मतलब PNL के अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, ना ही अगर आपने उसको रिसीव किया है, तो भले ही वो क्यों ना आपको अक्रू हो चुका है, लेकिन
आप उसे इनकम नहीं उस साल का मानोगे, आप उसे इनकम उस साल का नहीं मानोगे। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक का भी देख लीजिएगा कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बोला गया है कि क्या सिक्योरिटीज विच आर हेल्ड एज एज अ स्टॉक इन ट्रेड, उसकी वैल्यूएशन कैसे की गई है एज अ कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ये चीज भी आप लोग देख के चलेंगे। उसके बाद जो ये जो प्रोविजन, ऐसा नहीं है कि जो इनकम टैक्स में जो प्रोविजन अभी आपने देखा है बैड एंड डाउटफुल डेट्स का, बैंक प्रोविजन करती नहीं है, ऐसी बात नहीं है, वो भी करती है प्रोविजन, लेकिन स्टूडेंट्स जो बैंक है वो प्रोविजन करती है एज पर द प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑफ द आरबीआई, आरबीआई के अपने प्रूडेंशियल नॉर्म्स होते हैं उसके आधार पर वो क्या करते हैं प्रोविजंस करते हैं। तो बैंक अपने आरबीआई के प्रूडेंशियल नॉर्म्स के हिसाब से प्रोविजन करते हैं, तो वो बैंक का कोई प्रोविजन का डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको, आपको तो डिडक्शन मिलेगा ओनली एज पर द इनकम टैक्स लॉ। तो इस वजह से बैंक का जो भी आपका प्रोविजन है वो आप एड बैक कर ले, और साथ ही साथ बैड डेट्स जो राइट ऑफ किया है बैंक ने इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो बैड डेट्स अगर ऐसा कोई बैड डेट्स है जो बैंक ने राइट ऑफ किया है इन द बुक्स, तो वो बैड डेट्स को भी आप क्या करोगे, आप उसको एड बैक करके चलोगे। सो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ इन द बुक्स ऑल्सो हैज टू बी एडेड बैक। तो ये चीज है, ध्यान रखेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एज पर द बुक्स एड बैक, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ इन द बुक्स उसको भी आपने एड बैक लेना है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अंडर सेक्शन 36(1)(7)A। अब ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अंडर सेक्शन 36(1)(7)A। अब ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, वही चीज है। तो आप पहले तो बुक्स के जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और बैड डेट जो एक्चुअल बेसिस पे राइट ऑफ किया वो आप उसको एड बैक कर लेंगे, और फिर बाद में जो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है 36(1)(7)A का, जो अभी भी आपको बताया गया 8.5% या 5%, और अगर वो अदर बैंक का जो मैंने बताया था उसको एडिशनल टॉपअप आप दोगे 10%, तो वो डिडक्शन आप दे देना। और फिर लेस देख रहे हो आप लोग आखिरी में बैड डेट अंडर 36(1)(7), उसकी डिडक्शन तभी दोगे जबकि आपका जो एक्चुअल बैड डेट्स है वो एक्सीड करेगा विद द एग्रीगेट प्रोविजन मेड। प्लीज नोटिस करना स्टूडेंट्स, ये जो एग्रीगेट प्रोविजन जो है ना लिखा गया है उसमें करंट ईयर में जो आपने कितना प्रोविजन ऊपर लिया है वो लेना है, प्लस आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी बताया जाएगा क्वेश्चन में कि पिछले सालों का कितना प्रोविजन अभी तक 36(1)(7) में ले मिल चुका है, तो वो भी आप क्या कर लेना, एड बैक कर लेना, और फिर कंबाइंड फिगर को बैड डेट्स रिटर्न ऑफ के साथ कंपेयर करना, और फिर उसकी एक्सेस का ही डिडक्शन आप दोगे, और जो बैलेंस अमाउंट आ जाएगा उसमें से आप फिर क्या करेंगे, ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस अंडर सेक्शन 72(2) उसको राइट ऑफ करके और माइनस यूएडी अंडर 32(2) ये भी आप माइनस कर लेना, एंड देयरफॉर इन दिस केस आपको स्टूडेंट्स पीजीबीपी का ये डिडक्शन ये अमाउंट मिलेगा, अदर हेड्स ऑफ इनकम जो भी होगा वो एड करके जीटीआई, जीटीआई के बाद चैप्टर 6 से एंड देयर आफ्टर टोटल इनकम। सो दिस इज हाउ स्टूडेंट्स यू आर गोइंग टू डील विद दिस पर्टिकुलर प्रोपोजिशन। आइए स्टूडेंट्स हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर, हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर जो आपका अगला कैटेगरी है कंपार्टमेंट 44C का वो यही है। इसमें स्टूडेंट्स क्या होगा, डिडक्शन ऑफ एचओ एक्सपेंडिचर फॉर दी नॉन रेसिडेंट। सो वेदर अब इसमें क्या होगा कि नॉन रेसिडेंट है उसका एक इंडिया में ब्रांच है, तो उसके इंडियन ब्रांच के कॉन्टेक्स्ट में कुछ एचओ एक्सपेंडिचर है जो शायद उन्होंने क्या किया होगा, अपोर्शन कर रखा है, तो जितना अपोर्शन किया या क्या पूरा डिडक्शन मिलेगा, नहीं, 44C जो है उसका भी एक अपर लिमिट है, 44C जो है उसका भी एक अपर लिमिट है। अब स्टूडेंट्स यहां पे है ना, यहां पे जो टर्म यूज किया गया है पहले वो मैं आपको बता दूं, यहां पर जो परसेंटेज हम अप्लाई करेंगे वो किस पे करेंगे, एडजस्टेड टोटल इनकम पे। पिछले वाले जो आपने देखा था बैंक का उसमें क्या था आपके पास था 36(1)(7)A था, वो 36(1)(7)A का क्या था जीटीआई था, वहां पर ग्रॉस टोटल इनकम है, यहां पर क्या टर्म उन्होंने इस्तेमाल किया एडजस्टेड टोटल इनकम। ठीक है, तो एडजस्टेड टोटल इनकम में वो आप कैसे डिटरमाइन करोगे, सिंपल है, जीटीआई जो आपका है दैट जीटीआई बिफोर ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस एंड यूएडी, बस इतना ध्यान रखना। क्या यह ध्यान रखोगे एडजस्टेड टोटल इनकम मतलब क्या है, जीटीआई बिफोर ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस एंड यूएडी एंड डेफिनेटली बिफोर 44C, क्योंकि भाई 44C की तो कैलकुलेशन हमें निकालनी है, तो फिर वो तो होगा बिफोर 44C एज वेल। सो देयरफॉर स्टूडेंट्स इन दिस केस ये जो आपका जो एडजस्टेड टोटल इनकम बनेगा, ये जो आपका एडजस्टेड टोटल इनकम बनेगा, दिस एडजस्टेड टोटल इनकम विल बी बिफोर ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस एंड यूएडी। अच्छा, अब ये प्रोविजन पढ़ने के पहले ध्यान से सुनना, मैं कुछ एक चीज बोलूंगा आपको। स्टूडेंट्स पिछले वाले जो कैटेगरी में जो आपने किया था प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स फॉर बैंकिंग कंपनी, अगर मैं ये कहूं स्टूडेंट्स आपसे
कि आपका उस साल में सिर्फ लॉस है। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, उस साल में करंट ईयर में बैंक को सिर्फ भारी नुकसान ही हुआ है। तो बताएं स्टूडेंट्स, अगर बैंक को सिर्फ और सिर्फ भारी नुकसान ही हुआ है तो क्या उन्हें प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेथ का डिडक्शन मिल सकता है? क्या मिल सकता है? लॉजिकली सोच के बताएं, क्या अगर जिस साल में मेरा लॉस हुआ है क्या मुझे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेथ का डिडक्शन मिल सकता है? जनरली मैं कहूंगा आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आपका जो जेटीआई है वही अगर नेगेटिव है, नेगेटिव तो होता नहीं है लेकिन अगर वही निल अगर है, कुछ बना ही नहीं अगर आपका जेटीआई, तो फिर किस पे परसेंटेज अप्लाई करोगे? तो यही बात बनती है। तो इस वजह से क्या, जब जिस साल में आपका लॉस है उस साल में बैंक को प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स की डिडक्शन नहीं मिलती है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स की डिडक्शन नहीं मिलती है, ठीक है ना। लेकिन सो फार एज सेक्शन 44C इज कंसर्न, अगर हम 44C की अगर हम बात करें तो फिर आपको स्टूडेंट्स यहां पे गुंजाइश है डिडक्शन मिलने की। वो कैसे है देखिए क्वेश्चन यहां पे स्लाइड में मैंने क्या लिखा है। वेदर एडजस्टेड टोटल इनकम, जो आपको पता है जीटीआई बिफोर ब्रॉट फॉर लॉस एंड यूएडी एंड 44C, वेदर एडजस्टेड टोटल इनकम ऑफ द करंट ईयर इज लॉस। अगर आप बोलोगे नहीं लॉस नहीं है, राइट हैंड साइड में देखना लॉस नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो फिर ऐसे केस में होगा लोअर ऑफ व्हाट, लोअर ऑफ द एचओ एक्सपेंडिचर अपोर्शन और व्हाट, 5% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम, 5% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम। तो लोअर ऑफ एचओ एक्सपेंडिचर अपोर्शन और 5% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम, तो इस दोनों वैल्यू में से जो भी लोअर अमाउंट होगा, इन दोनों वैल्यू में से जो भी लोअर अमाउंट होगा वो आपको क्या है उसका डिडक्शन ले लेना है। एडजस्टेड टोटल इनकम क्या है वो भी मैंने आपको अब बता दिया है, दोनों में से जो भी लोअर अमाउंट होगा उसका आपको रिडक्शन ले लेना है, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलोगे नहीं हमारा करंट ईयर लॉस है, तो निराश होने की बात नहीं है। प्रीवियस वाले सेक्शन में प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स में निराश हो सकते हो, यहां पे निराश होने की बात नहीं है। अगर यहां पे अगर करंट ईयर में लॉस है तो फिर बताओ क्या बोला गया है, लोअर ऑफ द एचओ एक्सपेंडिचर अपोर्शन टू द इंडियन ब्रांच या फिर 5% ऑफ द एवरेज एडजस्टेड टोटल इनकम, एवरेज एडजस्टेड टोटल इनकम बोला गया स्टूडेंट्स। अब आपको बताओ ये एवरेज एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे आएगा, देन यू हैव टू टेक द एवरेज ऑफ द लास्ट तीन का, पिछले साल का और लास्ट दो साल और लास्ट थ्री इयर्स का आपको क्या लेना है, यू हैव टू टेक द एवरेज। सो यू विल टेक द एवरेज ऑफ द लास्ट थ्री और उसका 5%, उसका 5% आपको क्या करना होगा, उसका 5% आपको डिडक्शन उसका ले लेना है। सो दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू डील विद इन दिस पर्टिकुलर केस। So 5% of that is what you are going to do. Now students, अगर आप देखोगे जो next particular point है आपका है taxation of mutuality which is to be considered in this case. तो mutuality वाले taxation में आप पहले तो mutuality का principle क्या है, what is the concept of mutuality? तो concept of mutuality यही है कि no person can earn income from himself. ये आप मानते हो कि नहीं, कोई भी व्यक्ति अपने आप से पैसा नहीं कमा सकता है। तो जितने भी ये जिमखाना है, ट्रेड एसोसिएशन है और ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप उसकी अगर आप बात करोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या होता है ये, लाइक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी अगर मैं बताऊं वो भी तो एक म्यूचुअल कंसर्न है, स्टॉक ब्रोकर्स का एक एसोसिएशन है, isn't it? तो फिर क्या होता है कि देर इज अ मेंबरशिप फी वो पे करते हैं, एनुअल मेंबरशिप फी पे करते हैं और उस मेंबरशिप फी में से दे आर एक्सपेंडिंग द एक्सपेंडिचर, तो उसमें से खर्चा एक्सपेंडिचर दे आर एक्सपेंडिंग इट। सो देर इज अ मेंबरशिप फी विच इज बीन पेड विद रिसीव बाय द कंसर्न और उस मेंबरशिप फी जो उनको मिला है उसमें से वो क्या करते हैं, दे विल डू द एक्सपेंडिचर फॉर द बेनिफिट ऑफ द मेंबर्स। अब उसमें जो सरप्लस आता है क्या वो सरप्लस इनकम है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सरप्लस क्या है, किसका है? एट द एंड ऑफ द डे सरप्लस भी अगर है तो किसका है, मेंबर्स का ही है। तो इसी वजह से जैसे मैंने कहा आपको कि नोबडी कैन अर्न इनकम फ्रॉम हिमसेल्फ, वही प्रिंसिपल के बेसिस पे जो सरप्लस म्यूचुअलिटी के आधार पे बनाई जाती है उस सरप्लस को हम इनकम नहीं मानते, वो इनकम है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से स्टूडेंट सरप्लस इनकम नहीं है उस तरीके से डेफिशिएंसी भी जो है वो भी उसे नेगेटिव इनकम नहीं माना जा सकता। जैसे सरप्लस इनकम नहीं है उसी तरीके से डेफिशिएंसी को भी हम एक तरीके से इनकम नहीं मान सकते। अब उस कॉन्टेक्स्ट में ध्यान रखना आप लोग, चलिए अगर ये डेफिशिएंसी भी इनकम नहीं है, एक तरीके से नेगेटिव इनकम, वो नेगेटिव इनकम नहीं है तो वो असेसेबल नहीं है। अगर वो असेसेबल नहीं है तो एक तरीके से उसका भी डिडक्शन आपको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो असेसेबल ही नहीं है तो फिर भाई किस बात का डिडक्शन आप लोगे, ये बात तो आप भी समझते हो। लेकिन उसका एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन आपको मिलेगा 44A के अंदर।
वो क्या है 44A, मैं आपको बताता हूं। तो यहां पे देखेंगे कि स्टूडेंट्स इनकम, देखो अभी म्यूचुअलिटी का राइट हैंड साइड में जो मैंने लिखा है वो इनकम लिखा है। इनकम का मतलब क्या है कि अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस ये म्यूचुअल कंसर्न को इनकम बनेगी, व्हाट इज द सर्कमस्टेंसेस इन विच द म्यूचुअल कंसर्न विल अर्न द इनकम। तो इनकम कब होगा, अगर उन्होंने कोई स्पेसिफिक सर्विस दिया है अपने मेंबर्स को, तो डेफिनेटली ऐसा स्पेसिफिक सर्विस जो कि वो सारे मेंबर्स को देते नहीं है, किसी एक मेंबर ने उनसे सर्विस प्रोक्योर करवाई है इन अ स्पेसिफिक मैनर, तो उसके लिए जो कंसिडरेशन उन्होंने चार्ज किया है दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी कंसिडर्ड एज इनकम। क्यों इसको इनकम माना जा रहा है, क्योंकि ये अब म्यूचुअल कंसर्न ने अपने मेंबर के साथ क्या किया है, ट्रांजेक्शन किया है। वो म्यूचुअल कंसर्न ने अपने मेंबर्स के साथ अब क्या किया, ट्रांजेक्शन किया, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी एन इनकम। दूसरा, ये अगर म्यूचुअल कंसर्न जो है अगर ये किसी आउटसाइडर के साथ अगर डील करता है तो वो भी उसका क्या है, इनकम माना जाएगा, बिकॉज इवन दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ काइंड ऑफ अ ट्रांजेक्शन। उसका आप एग्रीगेट लेते हो और उस एग्रीगेट में से फिर जो भी उनके जो खर्चे हैं, जो अलाउंसेस होंगे, वो उसकी डिडक्शन ले लेगा, और फिर उसमें से ये जो डेफिशिएंसी जो आ रहा ना वहां से, जो कि मैंने बताया ना कि जनरली इस डेफिशिएंसी की कोई डिडक्शन मिलनी नहीं चाहिए थी। क्यों नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि ये असेसेबल ही नहीं है एक तरीके से, क्योंकि ये अपने आप में इनकम इससे नहीं माना जा सकता, लेकिन स्पेसिफिक प्रोविजन है 44A का जिसके तहत डिडक्शन दिया जा रहा है, और 44A का डिडक्शन बताओ कितना है, दिस इज अगेन लोअर ऑफ द फॉलोइंग टू, एंड व्हाट इज दैट, दैट इज डेफिशिएंसी और 50% ऑफ द टोटल इनकम बिफोर सेक्शन 44A, डेफिशिएंसी और 50% ऑफ द टोटल इनकम बिफोर सेक्शन 44A, दैट्स द लोअर ऑफ द टू अमाउंट, और उतना अमाउंट का क्या है इसको डिडक्शन मिल जाएगा, उससे आपको मिल जाएगा पीजीबीपी, पीजीबीपी के बाद अदर हेड्स, जीटीआई, चैप्टर 6 से एंड फाइनली द टोटल इनकम। ठीक है, अब मैंने देखो एक वो ब्लू कलर में लिखा हुआ है, राइट लेफ्ट हैंड साइड में एक एरो जा रहा है, क्या है, मान के चलो स्टूडेंट्स कि 50% ऑफ द टोटल इनकम अगर आता है 10 और जो डेफिशिएंसी का जो अमाउंट 15 है, तो जो अनअब्सॉर्ब डेफिशिएंसी का जो अमाउंट है क्या आप उसको अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करोगे, नहीं करोगे। एक तो डेफिशिएंसी का डिडक्शन आपको दे रहे हैं, वही अपने आप पे एक मेहरबानी आप पे की है, और आप अब क्या हो रहे हो प्राइमरी, अब आपका मन बढ़ रहा है कि नहीं अब तो मुझे इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करवाना है, नहीं होगा, दिस इज नॉट लाइक योर नॉर्मल बिजनेस लॉस, असेसेबल बिजनेस लॉस, और इस वजह से जो एक्सेस पोर्शन होगा डेफिशिएंसी का वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, म्यूचुअलिटी वाला कंसेप्ट भी काफी टाइम हो चुका है, नहीं पूछा है एग्जामिनेशन में, सो यू हैव टू बी केयरफुल ऑन दैट पॉइंट ऑल्सो, थोड़ा केयरफुल रहना, ये म्यूचुअलिटी वाला पॉइंट भी काफी टाइम तक नहीं पूछा है। अब जो स्टूडेंट अगला कैटेगरी अगर आप देखोगे इन द अदर कैटेगरी, डिडक्शन एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम हो जाने के बाद जो अगले कैटेगरी में आपके पास आता है वो क्या है, लेट्स हैव अ लुक इन द नेक्स्ट कैटेगरी, यू आर गेटिंग द अमोर्टाइजेशन वाले सारे अमाउंट, जैसे कि देखो प्रो रेटा बेसिस पे, ये प्रो रेटा बेसिस वाली डिडक्शन वाली सेक्शन है स्टूडेंट्स, इसमें आपको 35A(b), 35ABA, रूल 9A(9B), 35D, 35DD एंड 35DDA, ये सारे सेक्शन है जहां पे आपको अमोर्टाइजेशन के आधार पे, मतलब कि पूरा नहीं मिलेगा डिडक्शन, लेकिन अमोर्टाइज करके आपको एक तरह पैटर्न है अमोर्टाइजेशन का, जो आपको बस समझना है किस आधार पे, किस पैटर्न पे आपको डिडक्शन दी जा रही है। तो पहला आपके पास है 35ABA एंड ABA, जो कि टेलीकॉम लाइसेंस, जो टेलीकॉम सेक्टर है उस सेक्टर में जो टेलीकॉम लाइसेंस जो प्रोक्योर करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ टेलीकॉम बिजनेस, उसकी डिडक्शन की बात रखी गई है 35ABB में। तो जब भी वो टेलीकॉम लाइसेंस को प्रोक्योर करते हैं तो उसकी डिडक्शन बनेगी 35ABB में, और स्टूडेंट्स ये डिडक्शन तभी किस साल से चले स्टार्ट होगी, जिस साल में आपने टेलीकॉम लाइसेंस पे किया है। अगर आपने पूरा लाइसेंस अमाउंट पे नहीं किया है, पार्ट में आपने क्या किया है, लाइसेंस अमाउंट को पे किया है, मान के चलो कि 1 करोड़ का लाइसेंस है, 50 लाख आपने पहले साल में पे किया और 50 लाख आपने दूसरे साल में पे किया है, और जो उसका पीरियड है वो 10 ईयर्स का है, तो आपको क्या होगा, 50 लाख जो पहले साल में पे किया आपको प्रोरेटा बेसिस में 10 ईयर्स का डिडक्शन मिल जाएगा, प्रोरेटा बेसिस पे आपको 10 ईयर्स का डिडक्शन दे दिया जाएगा फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, सो यू विल बी गेटिंग द डिडक्शन फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 50 लाख का, 5 लाख का पहले इंस्टॉलमेंट पे 5 लाख का डिडक्शन 10 साल के लिए बन गया, जो दूसरा इंस्टॉलमेंट आपने सेकेंड ईयर में पे किया 50 लाख का, उसका भी फिर पेमेंट के बेसिस में अब बताओ कितना साल रह चुका है आपके पास, 9 ईयर्स, तो आपको फिर दूसरे इंस्टॉलमेंट का सेकेंड ईयर से लेके 10th ईयर तक
5.55 लाख का क्या है डिडक्शन सेकेंड ईयर से लेके टेंथ ईयर तक का आपको दिया जाएगा। तो आपको इस पैटर्न पे क्या होगा, पहले साल में आपको 5 लाख का ही मिलेगा डिडक्शन, सेकेंड ईयर में आपको 5 जो पहले साल का आ रहा है प्लस सेकेंड इंस्टॉलमेंट का 5.55 विच इज 10.55, तो सेकेंड ईयर से लेकर टेंथ ईयर तक का 10.55 का डिडक्शन आपको मिलता जाएगा। इसमें स्टूडेंट्स एक और स्पेशल पॉइंट है, वो ये है कि मान के चलो कि फिफ्थ ईयर हो गया एंड मैंने अभी तक का डिडक्शन जो क्लेम किया वो 50 लाख का कर लिया है, 50 लाख का अभी भी मेरे पास डिडक्शन अभी मुझे लेना बाकी है, लेकिन टेलीकॉम सेक्टर में जो रिसेशन चल रहा है उसको देखते हुए क्या किया मैंने लाइसेंस को क्या है पूरा बेच दिया है, आई ट्रांसफर द लाइसेंस। सो इफ आई ट्रांसफर द लाइसेंस इन दैट पर्टिकुलर केस, तो उससे जो भी सेल करके जो भी मुझे मान के चलो कंसिडरेशन 30 लाख का मिला है, तो अनअब्सॉर्ब अमाउंट कितना था आपका 50 लाख, अनअब्सॉर्ब अमाउंट अभी भी 50 लाख है और सेलिंग प्राइस 30 लाख, तो जो डेफिसिट है 20 लाख का, that 20 lakhs deficit will be allowed to you as deduction under section 35A(b). 35A(b) में ही आपको इसका deduction मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको capital gains के head में जाना है, नहीं जाएंगे आप, 35A(b) में ही वो deficit जो 20 lakhs का है, you will be allowed the deduction। तो जो ABA जो होगा वो किस पर है, ABA that is in respect of the spectrum license, जो स्पेक्ट्रम लाइसेंस है उसका पैटर्न भी वही सेम है जैसा 35A(b) का पैटर्न है, उसी पैटर्न पे 35ABA का भी डिडक्शन चलता है। सो देयर इज नो सच टैंजिबल डिफरेंस बिटवीन द टू सेक्शंस एज फार एज द सेक्शन इज कंसर्न। देयर आफ्टर स्टूडेंट्स दिस रूल 9A एंड 9B, अब 9A एंड 9B में अगर आप देखोगे दिस इज फॉर द पर्सन हु इज एंगेज इन द फिल्म बिजनेस, जो फिल्म बिजनेस में, अब बताओ फिल्म में बिजनेस अगर आप देखोगे फिल्म बिजनेस में कौन लोग जुड़े होते हैं, दो ही लोग हैं, वो है पहला प्रोड्यूसर और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर, बाकी जितने भी लोग हैं वो सारे प्रोफेशनल्स हैं। सो ओनली द प्रोड्यूसर एंड द सेकंड वन इज द डिस्ट्रीब्यूटर्स, सो दीज आर द ओनली टू पर्सन हु आर इन द फिल्म बिजनेस एंड रेस्ट ऑफ द पर्सन आर द प्रोफेशनल्स। तो उस केस में स्टूडेंट्स क्या होता है, यहां पे ये बोला गया एक कट ऑफ उन्होंने लिया है इस रूल में, रूल 9A 9B में, और कट ऑफ ये बोलता है कि अगर फिल्म रिलीज हुई है 31 दिसंबर के बाद तो जो कॉस्ट है, अच्छा मुझे पहले बताओ कि प्रोड्यूसर के लिए फिल्म का कॉस्ट क्या होगा, द कॉस्ट ऑफ मेकिंग ऑफ द फिल्म, दिस इज अ कॉस्ट फॉर द प्रोड्यूसर, और जहां तक डिस्ट्रीब्यूटर का कॉस्ट अगर देखा जाए तो वो डिस्ट्रीब्यूटर का कॉस्ट क्या होगा, द कॉस्ट ऑफ अक्वायरिंग द राइट्स ऑफ द फिल्म फ्रॉम द प्रोड्यूसर, तो ये उनका कॉस्ट है, इजंट इट। तो ये कॉस्ट का जो डिडक्शन जो उनको चाहिए वो रेगुलेट होगा रूल 9A और 9B के हिसाब से। ये आपको पता लगाना है कि मूवी रिलीज कब हुई है, आफ्टर 31 दिसंबर को रिलीज हुई है तो फिर उसकी डिडक्शन स्टूडेंट्स होगी, आफ्टर 31 ऑफ दिसंबर को अगर रिलीज हुई है तो फिर उसकी डिडक्शन होगी मैक्सिमम अप टू द अमाउंट रियलाइज्ड ऑन द एग्जीबिशन ऑफ द मूवी। तो मूवी को एग्जिबिट करने पे जो पैसा मिला है वो आप कंपेयर करोगे विद द कॉस्ट ऑफ मेकिंग ऑफ द फिल्म फॉर द प्रोड्यूसर, और अगर डिस्ट्रीब्यूटर की अगर हम बात करें विद द कॉस्ट ऑफ अक्वायरिंग द फिल्म फ्रॉम द प्रोड्यूसर, तो वो जो पैसा रियलाइज हुआ फ्रॉम द एग्जीबिशन वो प्राइमली आप उसको उससे उसके साथ कंपेयर करोगे विद द कॉस्ट ऑफ मेकिंग ऑफ द फिल्म, किसके लिए बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर के लिए, या फिर कॉस्ट ऑफ अक्वायरिंग द फिल्म किसके लिए बात हो रही है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, एंड ओनली द लोअर ऑफ द टू विल बी अलाउड एज डिडक्शन। आप बोलोगे सर जो पैसा रियलाइज किया है हमने फ्रॉम एग्जीबिशन ऑफ द मूवी वो हमने रियलाइज किया है से 100 करोड़, जबकि पिक्चर जो हमारी बनी थी वो 150 करोड़ में बनी थी और मूवी रिलीज हुई है 31 दिसंबर के बाद, तो जो 50 करोड़ का जो कॉस्ट है उसकी डिडक्शन का क्या करेंगे फिर, तो वो अगले साल आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा, अगले साल आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर मूवी रिलीज होती है 31 दिसंबर या उसके पहले, तो फिर उस पर्टिकुलर केस में स्टूडेंट्स आपको जो डिडक्शन है वो आपको सेम ईयर में ही मिल जाएगा। सेम ईयर में मिलने का मतलब क्या होगा, दैट इज इन द ईयर इन विच दी पूरा डिडक्शन मिल जाएगा, मतलब 150 करोड़ का जो खर्चा है वो उसी साल मिल जाएगा जिस साल आपने ये मूवी रिलीज हुई थी। लेकिन मूवी का रिलीज डेट फिर क्या होना चाहिए, 31 दिसंबर या उसके पहले। स्टूडेंट्स इसमें और एक स्पेशल पॉइंट है ध्यान रखना, स्पेशल पॉइंट दो और पॉइंट है जो कि आप लोग ध्यान रखेंगे। कभी कभी क्या होता है मालूम है, कोई प्रोड्यूसर होता है वो अपनी पूरी राइट बेच देता है पिक्चर की, ठीक है, जैसे कि कुछ मूवीज थे एक जमाने की तो पुराने, तो ऐसे केस में उन्होंने क्या किया है, प्रोड्यूसर ने अपनी पूरी राइट बेच दी है डिस्ट्रीब्यूटर को। अब बताओ प्रोड्यूसर को जितना पैसा कमाना था उस मूवी से उसने तो उतना पैसा कमा लिया, अब मूवी कब रिलीज होती है उससे कोई उसको फर्क पड़ेगा, एंड द आंसर इज नो।
तो जितना पैसा बनना था उस मूवी से वो तो बन चुका है, अब कब रिलीज होती है वो तो अब डिस्ट्रीब्यूटर का हेडेक है। तो प्रोड्यूसर के लिए क्या पूरा डिडक्शन कॉस्ट का अब उसे मिल जाएगा अगेंस्ट द रेवेन्यू दैट ही हैज गॉट फ्रॉम सेलिंग ऑफ द एंटायर राइट ऑफ दैट मूवी? एंड द आंसर इज यस। ये इररिलेवेंट होगा कि अब इस केस में मूवी रिलीज कब होती है, क्योंकि वो हेडेक वो सरदर्द किसको पालना है? डिस्ट्रीब्यूटर को। लेकिन जहां तक प्रोड्यूसर की बात है, उसने तो भाई पूरा पैसा कमा लिया है, तो इस वजह से क्या होगा, पूरा डिडक्शन प्रोड्यूसर को मिल जाएगा इस पर्टिकुलर केस में। लास्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, एक सीबीडीटी का सर्कुलर है 2018 में पूछा गया था, पूछा नहीं गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, कुछ पिक्चर एबेंडेंट हो जाती है बीच में ही, वो क्या करते हैं स्क्रैप करते हैं प्रोजेक्ट को। बहुत रीजन हो सकती है, होता है कि कोई एक्टर जो लीड एक्टर था, जिस जो सेंट्रल थीम था, जिस पे पूरा पिक्चर बनाया जा रहा था, उसकी डेथ हो गई, तो प्रोजेक्ट ही स्क्रैप हो गई है, मूवी को अबंडन कर दिया गया है। तो जो खर्चा आपने इनकर किया है मूवी बनाने के लिए, वो मूवी बनाने के लिए अभी तक, उसका क्या, मूवी तो रिलीज होने वाली नहीं है, तो फिर वो खर्चे का क्या होगा? तो सीबीडीटी ने कहा है कि वो उस खर्चे का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। सो दैट इज व्हाट इज वन ऑफ द सीबीडीटी सर्कुलर। ये है स्टूडेंट्स आपका रूल 9A या 9B। देयर आफ्टर स्टूडेंट्स आपके पास ये आता है 35D एंड 35DD एंड 35DDA। डी हम लोग देख लेंगे, मैं आपको डबल डीए का बता देता हूं, वीआरएस एक्सपेंडिचर। वीआरएस एक्सपेंडिचर को स्टूडेंट्स आप लोग हमेशा कंपेयर करना विद वन मोर एक्सपेंडिचर, वो होगा आपका रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन। फर्क ध्यान रखना क्या है, वीआरएस का जो डिडक्शन बनेगा आपका, वो बनेगा ओनली व्हेन यू हैव मेड द एक्चुअल पेमेंट ऑफ द वीआरएस अमाउंट, और उस साल से आपको क्या करना होगा, 1/5 का डिडक्शन लेना है। दैट ईयर इन विच यू हैव मेड द पेमेंट, 1/5 वुड बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन। मतलब कहने का मतलब है बैलेंस ईयर में 1/5 फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर मिलेगा, लेकिन ये डिडक्शन कमेंस होगा इन द ईयर ऑफ पेमेंट वीआरएस का। लेकिन अगर वही रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन अगर होगा, तो फिर आपको फुल डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 37(1). दैट इज फॉर होम, दैट इज फॉर रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन। सो कीप दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑल्सो इन माइंड। 37(1) 100% डिडक्शन यू आर ऑल गोइंग टू गेट एज फार एज दिस पर्टिकुलर रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन इज कंसर्न। 35DD, ये आपको अमालगमेशन एक्सपेंडिचर है। अमालगमेशन एक्सपेंडिचर जो होगा वो 1/5 का डिडक्शन आपको दिया जाता है। किसको दिया जाता है? ये मिलता है टू द अमालगमेटेड कंपनी। तो ये जो अमालगमेशन डीमर्जर के टाइम पे जो एक्सपेंडिचर होते हैं, तो वो एक्सपेंडिचर का डिडक्शन 1/5 के बेसिस पे दे दी जाती है टू होम, टू द अमालगमेटेड कंपनीज एंड ऑल। अब 35D, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर के कॉन्टेक्स्ट में। ये देखिए एक शानदार चार्ट जो बनाया गया है आप लोगों के लिए, ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको ध्यान रखना। ये 35D जो पर्टिकुलर पॉइंट है, दिस इज दिस पर्टिकुलर थिंग दैट यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड इन 35D कॉन्टेक्स्ट। तो यहां पे प्राइमरीली 35D जो है इसमें ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू। तो लीजिए 35D वाला प्रीमियर पॉइंट है प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। पहले तो मैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर देखो, कैटेगरी में लिखा है इंडियन कंपनी और फॉर होम। पहले तो मैंने यहां पे इंडियन कंपनी है और दूसरा है आपका अदर रेसिडेंट पर्सन, इन दोनों के लिए ही है। तो जहां तक अदर रेसिडेंट, देखो एक चीज है कि फॉरिन कंपनी या फिर नॉन रेसिडेंट को 35D का डिडक्शन नहीं मिलता, ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। सो आइदर फॉर फॉरिन कंपनी और द इंडियन और नॉन रेसिडेंट यू विल नेवर एवर गेट द डिडक्शन। अगर आप देखोगे अदर रेसिडेंट पर्सन के लिए, फॉर द अदर रेसिडेंट पर्सन डिडक्शन की अगर हम बात करें, तो डिडक्शन कैसा होगा, लेट्स हैव अ लुक। तो डिडक्शन जो स्टूडेंट्स इनका बनेगा वो होगा 5% ऑफ व्हाट, द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और द स्पेसिफाइड प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। अब इसमें मैंने चार लिखा हुआ है, अदर के लिए 5% ऑफ COP कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और स्पेसिफाइड प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर चार। अब ये चार क्या है, फिजिबिलिटी, मार्केट सर्वे, इंजीनियरिंग एंड लीगल सर्विसेज, ये चार पॉइंट्स हैं। इसमें से जो भी लोअर अमाउंट होगा वो आपका होगा क्वालिफाइंग अमाउंट और उसका 1/5, उसका 1/5 आपको लेना है, ठीक है। ये किसके लिए होगा, फॉर द अदर रेसिडेंट पर्सन। अगर ये इंडियन कंपनी है उसके लिए अगर आप बात कर रहे हो, तो फिर आपको दो लेवल की कंपैरिजन करवानी है। वो दो लेवल की कंपैरिजन क्या होगा, तो पहला कंपैरिजन स्टूडेंट्स ये हैगा, फर्स्ट कंपैरिजन इज 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट को कंपेयर करेंगे आप किसके साथ, विद 5% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड, विद 5% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। उसमें से जो हायर अमाउंट है, इन दिस केस जो होगा हायर अमाउंट, वो आप लेके जाओगे सेकेंड लेवल के कंपेरिजन में, और सेकेंड लेवल के कंपेरिजन में पहले वाले का क्वालिफाइंग अमाउंट को कंपेयर करना विद द स्पेसिफाइड प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। और ये स्पेसिफाइड प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर स्टूडेंट्स क्या होगा, 4+3।
अब आप बोलोगे ये तीन कहां से, ये तीन का क्या होगा मतलब, तीन का मतलब है स्टूडेंट्स यहाँ पे ये चार तो जो पहले का था वही है सेम, जो अदर रेसिडेंट पर्सन की जो बात कर रहे थे वही सेम है, प्लस तीन और जोड़ना है आपने, और वो क्या जोड़ोगे आप, आर ओ सी फीस, प्रिंटिंग ऑफ एम ओ ए एंड ए ओ ए, लीगल चार्जेस फॉर एनहांसिंग द शेयर कैपिटल, ये सारे कंपनी रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, ये आप ऐड करेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा जो लेस करना है आपने, एक केस लॉ देखो आप लोग को यहां पे दिया जाएगा, लेस इंटरेस्ट अक्रूड ऑन डिपॉजिट ऑफ द शेयर एप्लीकेशन मनी। तो यहां पे रमा मल्टीटेक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसमें क्या हुआ था स्टूडेंट, ये जो शेयर एप्लीकेशन मनी था तो वो जो आपको पता है कि सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से उसको आपको रखना पड़ता है इन अ ट्रस्ट अकाउंट, तो उसमें जो इंटरेस्ट इनकम जो बना था, इशू ये सामने आया था कि वो इंटरेस्ट इनकम जब कंपनी के हाथ में आएगा आफ्टर द अलॉटमेंट, उसको हम आईएफओस में चार्ज करें या फिर रिड्यूस करें फ्रॉम द शेयर प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि दिस इज इन द नेचर ऑफ व्हाट एन इनकम अराइजिंग एट द टाइम ऑफ द इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, तो फिर वो इनकम को आपको उसके करस्पॉन्डिंग एक्सपेंडिचर के साथ ही राइट ऑफ करना है, ना कि आपको उसको सेपरेटली चार्ज करना है अंडर द हेड आईएफओएस। ये केस लॉ आईसीआई ने भी रखा है, वेरी एक्सपेक्टेड एज फार एज योर एग्जामिनेशन इज कंसर्न। तो देखिए जो एक्सपेंडिचर जो मैंने जोड़ा है ऊपर, आरओसी फी पेड, प्रिंटिंग ऑफ एमओए एंड एओए, लीगल चार्जेस फॉर एनहांसिंग द शेयर कैपिटल, उसमें से ये आप लेस करके आपका ये जजमेंट रेडी है आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स। उसके बाद एग्रीगेट इश्यूड शेयर कैपिटल, अब इसमें देखो ये देख रहे हो यहां पर कुछ टर्म्स और यहां पर देख लेना क्या है, यहां पर 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, इधर देखेंगे 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड, 5% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एग्रीगेट ऑफ द इश्यूड शेयर कैपिटल जिसमें से आप एक्सक्लूड करेंगे, क्या एक्सक्लूड करोगे, शेयर प्रीमियम, मालूम है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था बर्जेट पेंट्स पे, तो उसके आधार पे आप इसको एक्सक्लूड कर लेना और फिर ऐड करोगे डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द बिजनेस ऑफ द कंपनी कमेंसेस। तो ये है आपका व्हाट विल कॉन्स्टिट्यूट द कैपिटल एम्प्लॉयड, व्हाट विल कॉन्स्टिट्यूट द कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस इज हाउ इट हैज टू बी कंसिडर्ड। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए ये बन चुका है 435D, दिस इज ऑल अबाउट दिस वन। और अब आ रहे हैं सबसे बड़े सेगमेंट पे, और ये बहुत ही क्रिटिकल सेगमेंट होगा, द डिडक्शन ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन द डिडक्शन ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर आप देखो स्टूडेंट सेक्शन 35 आपके सामने है, यहां पे है साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, ये पहला पर्टिकुलर पॉइंट है, और उसपे मैंने आपको पहले पार्ट बी बताया, अभी मैं सिर्फ पार्ट बी बता के क्लोज करूंगा ये चीज को लेके, और फिर क्योंकि बाद में बहुत चीजें लिंकिंग होने वाली है हमारे अगले पर्टिकुलर पार्ट के साथ, तो इस वजह से पहला से पार्ट बी। पार्ट बी में स्टूडेंट्स डोनेशन और कॉन्ट्रीब्यूशन, जो साइंटिफिक रिसर्च क्या होता है कि आपने डोनेशन दिया होगा टू द यूनिवर्सिटीज, टू द इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड कंसर्न, सो अकॉर्डिंगली जो आपने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है तो उसका डिडक्शन मिलेगा स्टूडेंट्स। यहां पे आपने क्लॉज नंबर भी याद रखना है, क्लॉज नंबर भी याद रखना है, तो देखो 100% और 150%, 100% और 150%, तो 100% के लिए क्या है 3513 एंड 3512A, ये दो क्लॉज में आपको 100% मिलेगा, मतलब आपने कॉन्ट्रीब्यूशन कहां पे किया होगा, सोशल साइंस उनको दी है या फिर स्टैटिस्टिकल रिसर्च उनको दिया गया है। 150% में आपने किसको अल्टीमेटली ये 150% का डिडक्शन के लिए आपको किन सेक्शन का रेफरेंस दिया जा सकता है एग्जामिनेशन में, 3512A या फिर 3512, ये दो सेक्शन का रेफरेंस दिया जा सकता है। और आपने कॉन्ट्रीब्यूशन अगर किया होगा तो किस इंस्टीट्यूट को किया होगा, टू दी रिसर्च एसोसिएशन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, नेशनल लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटी, IIT फॉर इट्स अप्रूव्ड रिसर्च प्रोग्राम, इनको अगर आपने डोनेशन दिया है, और ये अगर या फिर रेफरेंस अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देते हैं 3512A वाले इंस्टीट्यूट या 3512 वाले इंस्टीट्यूट, तो ये केस में आपको जो डोनेशन दिया होगा और वो डोनेशन अगर डेबिट किया है पीएनएल अकाउंट में, तो पीएनएल अकाउंट में डेबिट तो उन्होंने 100% किया होगा, पीएनएल अकाउंट में तो उन्होंने डेबिट 100% किया होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनहांस करना पड़ेगा एक्स्ट्रा 50%, एनहांस करना पड़ेगा एक्स्ट्रा 50%, क्योंकि आपका जो डेबिट है वो सिर्फ 100% हुआ होगा, सो देयरफॉर यू वुड हैव एनहांस, यू शुड एनहांस एक्स्ट्रा 50% सो एज टू गेट द एक्स्ट्रा डिडक्शन। ठीक है, ये जो आपको ब्लू में स्टूडेंट्स जो दिख रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये है कि डोनेशन के टाइम पे वो जो इंस्टीट्यूट थी वो रजिस्टर्ड थी, जो डोनेशन के टाइम पे वो इंस्टीट्यूट जो थी वो रजिस्टर्ड थी, अप्रूव्ड थी, लेकिन रिटर्न फाइल करने के टाइम पे या असेसमेंट के टाइम पे उनका अप्रूवल या जो रजिस्ट्रेशन है वो छीन लिया जाता है, वो विड्रॉ कर लिया जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो क्या आपका डिडक्शन चला जाएगा, एंड आंसर इज नो। आपको क्या बस देखना है कि क्या डोनेशन के टाइम पे, क्या डोनेशन के टाइम पे क्या वो इंस्टीट्यूट अप्रूव थी या नहीं, दैट इज व्हाट हैज टू बी लुक्ड अपॉन।
अब अगर आप स्टूडेंट देखोगे जो अगला पर्टिकुलर पार्ट सी होगा, अगर आप चाहो यहाँ पे देखो, मैं ये स्लाइड तो अब मैं रखने वाला हूं, मैंने बताया था आपको टेलीग्राम चैनल में भी रख रहा हूं, और ये मैंने देखो अगर चाहिए तो आप लोग इसको एक बार रीड कर लेना जो अगला केस स्टडी होगा, ये वाले पर्टिकुलर थिंग देखो काफी एग्जॉस्टिव तरीके से बनाया गया, मतलब एग्जामिनेशन डे पे पूरी चिंता आपकी निकल जाएगी उस लेवल पे ये सारे चार्ट्स को बना के रखे गए। तो आप लोग नोटिस करोगे कि ये प्रॉफिटिंग डिडक्शंस भी अगर आप देख रहे हो, ये चीज मैं पार्ट सी जो डिस्कस करूंगा, आप लोग अगर एक ओवरव्यू स्टूडेंट्स लेने की कोशिश करो तो बहुत अच्छा होगा, आपकी रिविजन भी फुल एंड फाइनल हो जाएगी, ये मेरा मानना है। तो मैं पार्ट बी को यहां पे कर देता हूं ताकि आप लोग एक बार चार्ट गो थ्रू करना, क्योंकि आने वाले जो सेक्शन है वो थोड़े एडवांस लेवल के हैं, ये प्रॉफिट लिंक डिडक्शन जो देख रहे हो ना, तो काइंडली गो थ्रू दिस पर्टिकुलर चार्ट, सो दैट क्या होगा आप लोगों का एक लिंक बना रहेगा और आपका भी एक बहुत मनोबल बढ़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट सी वाला मैं चार्ट आप पूरा देख लेना, यू विल गो थ्रू द एंटायर कंटेंट ऑफ द चार्ट, जिसमें सारे टॉपिक्स आपको खुद पता चलेगा कि काफी रिसर्च करके काफी हार्डवर्क है इस पर्टिकुलर पूरे चार्ट बनाने में, और इसी कॉन्टेक्स्ट में यू विल गो थ्रू द सेम। एंड अगर आप अपने कंटेंट किताबों में भी देखना चाहोगे तो देख सकते हो वहां पे भी, और फिर क्विकली फिर रिविजन ले लेना पार्ट सी का जो कि कल मैं आपको डाल दूंगा। तो इसमें हो क्या जाएगा कि आपका एकदम फुल एंड फाइनल एग्जामिनेशन के लिए आप लोग पूरी तरह से रेडी हो जाओगे। सो स्टूडेंट्स रेडी हो जाइए, अल्टीमेटली अब ये चार्ट मैं डाल देता हूं, आप लोग प्लीज देख लीजिएगा इसमें से, एंड सी यू देन इन द लास्ट रिवीजन। मैं देखो असेसमेंट का भी आप लोगों को एक रिवीजन करवा दूंगा। अभी भी एक चीज बता रहा हूं स्टूडेंट्स कि एनआर टैक्सेशन और ट्रांसफर प्राइसिंग ये जो है वो प्रैक्टिकल्स है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा, वो लेक्चरों में सुनने पे कुछ होगा नहीं, वो पूरे प्रैक्टिकल्स है। तो मैंने भी सोचा था कि ये देखिए काफी इंटरलिंक्ड है ये सब चीजों को लेके, एनआर में कुछ बताने लायक नहीं होगा, वो अलग बात है कि जो हमने क्लास में किया है उसका लेवल एक अलग था। मैं एनआर और टीपी के लिए कुछ अलग मैंने कुछ सोच रखा है, अल्टीमेटली वो थोड़ा करूंगा, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस बना के रखना, इसमें टाइम आप बचाएं क्योंकि मैंने आपका रिवीजन इतना तक करवा दिया है, वो टाइम जो बच रहा है यू शुड देन पुट इट वेयर इन दी एनआर सॉल्विंग ट्रांसफर प्राइसिंग के क्वेश्चंस पे फोकस कीजिएगा। हमारे जितने क्वेश्चंस आपने किए हैं क्लास में, वेदर बी इट रेगुलर कैप्सूल और इवन द रिविजन बैच में जो मैंने कंपाइलर से करवाया है, वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। तो बस आप लोग क्वेश्चंस पे अप्रोच एंड क्वेश्चंस वो ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि क्वेश्चंस उसके सारे कंसेप्चुअल होते हैं, और दैट इज द रीजन व्हाई आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट यू शुड फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट मोर। सो यहां पे टाइम जितना है बचा के आप वहां पे करना। मैं कुछ अलग अल्टीमेटली एनआर एंड ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए आप लोगों के लिए डाल दूंगा, लेट मी फिगर इट आउट, बट जो भी होगा प्राइमली इफेक्टिव ही होगा, कोई ऐसा नहीं कि आई जस्ट सिंपली वॉन्ट टू टेक अ टाइम आउट कि ऐसे ही चल रहा है, वो नहीं करेंगे, लेकिन आई विल जस्ट पुट अक्रॉस समथिंग वेरी डिसाइसिव थिंग, लेट मी फिगर इट आउट दैट पर्टिकुलर पॉइंट एंड आई विल कम ऑन दैट। सो ये जल्दी से आप लोग देख लेना एंड देन जस्ट गो थ्रू दिस एंड ओनली देन नेक्स्ट डे पे आप लोग पार्ट सी स्टार्ट करिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, सी यू देन।